इन बड़ी खबरों पे चर्चा के लिए, पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मेहमान भी हैं। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मनीष, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही राजनीतिक सलाहकार अखिलेश कुमार मिश्रा जी हैं हमारे साथ। अखिलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है। सीधा चलते हैं हम शपथ ग्रहण समारोह में, बेंगलुरु राजभवन। ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತರ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಸದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು
कर्नाटक में आज बीएस येदियुरप्पा की सरकार बन गई है। संक्षिप्त शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु से हमने आपको दिखाया। राज्यपाल वजूभाई वाला ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके बाद राष्ट्रगान और मीडिया के तमाम कैमरे, कुछ समर्थक, कुछ चुनिंदा वरिष्ठ नेता, और ये सारी बातें ही बहुत कुछ चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि किन परिस्थितियों में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि अमूमन या कहें आम तौर पर हमने ऐसा देखा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता है, तमाम आला नेताओं के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित होते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी की बात है। विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने तो बहिष्कार ही कर दिया है। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से लेकर जनता दल सेक्युलर का विरोध चल रहा है। वो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, प्रक्रिया की संवैधानिकता को लेकर चुनौती लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रात भर सुनवाई और जिरह का दौर चलता रहा है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शपथ ग्रहण समारोह को रोकने से इनकार कर दिया। लेकिन जो वक्त राज्यपाल से मिला था बीएस येदियुरप्पा को कि 15 दिन में आप अपने बहुमत को स्पष्ट करिए, साबित करिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बड़ी लाइन खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास समर्थन है विधायकों का तो जरा हमें भी बताइए कि कौन कौन से विधायक आपको समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो विधायक हैं उनकी लिस्ट तो आप दे सकते हैं, इसके अलावा जो डेफिसिट है, जो गैप है, उसको कहां से भर रहे हैं आप, उसको हमें भी बताइए। यहां पे बीएस येदियुरप्पा क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही जानना चाहता है। और कर्नाटक में सियासी उठापटक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी हैं, मनीष शुक्ला हैं मेरे सहयोगी, और सुरेश बहादुर जी वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेश जी आपका बहुत स्वागत है। एक ही सवाल है कि क्या होगा कर्नाटक में। शुरुआत मिश्रा जी आपसे करते हैं, अनुमान क्या कहता है, राजनीतिक सलाहकार हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, बहुत सारी चीजें जानते होंगे, क्या होगा? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत पहले जो यहाँ के इलेक्शंस के जो मैंने रिजल्ट आप ही के चैनल पे प्रेडिक्ट किए थे वो सेम जा रहे हैं, सटीक काफी बैठे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत आसान है इस चीज को समझना, कल भी बातें हो रही थी, कल भी मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज को, यानी आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, शायद विपक्षी पार्टियों को रोकने में इसमें सफलता न मिले, उसका एक बहुत लॉजिकल कारण है। कानून का स्टूडेंट और ज्ञाता मैं नहीं हूं, लेकिन एक लॉजिक से देखें कि महामहिम राज्यपाल जी को किसी भी स्टेट के जो स्पेशल पावर्स मिले होते हैं कि कुछ वो अपने विवेक के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, तो वो उस चीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट मतलब किसी के अधिकार का हनन क्यों करेगा। और यही ये चीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है एक चीज ये बोला कि भाई आप मुझे बताइए आपके समर्थकों की लिस्ट क्या है, उनके नाम दीजिए। देखिए अब होगा क्या, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब आप जरा इसको इस तरीके से देखिए कि विपक्षी दल जो हैं उनके जो नेता हैं वो हताश हो गए होंगे, और डेफिनेटली 7-8 और लोगों के नाम देना, लिस्ट देना या उनको तोड़ना, भाई विधायक कहां से आएंगे, विधायक तो दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस से या जेडीएस से आएंगे,
मुझे लगता है कि जेडीएस के विधायक बड़े आराम से बीजेपी में मिल जाएंगे। उसके पीछे कारण है, 10-15 साल से जो है जेडीएस जो है आउट ऑफ पावर है, और कोई भी विधायक, आप अपने आप को एक विधायक की तरह रख के देखिए, तो उसकी भी अपनी एक इंडिविजुअल लालसा होती है कि मुझे भी कोई पद मिले। उनका एक पॉलिटिकल करियर होता है, वो ये देखेंगे कि 15 साल से हम केवल जीत रहे हैं और हमें सत्ता का लाभ नहीं मिल रहा है, तो अपनी जो उनकी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल करियर ग्रोथ ग्रोथ का जो उनका एजेंडा होता है, उस चीज को लेके वो बीजेपी में बड़े आसानी से शामिल होंगे। दूसरी चीज और है, अगर फ्यूचर सिक्योरिटी देखा जाए किसी भी नेता के लिए पॉलिटिकल करियर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा उनको बीजेपी में दिखता है। तीसरी चीज ये है कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन बीजेपी क्लियर कट मेजोरिटी में आ जाती है, तो बाहरी नेताओं की बीजेपी में एंट्री उतनी आसान नहीं है। आज के टाइम में लॉन्ग टर्म करियर को देखते हुए बीजेपी में एंट्री बड़ी आसान है। तो ये ऐसे नेता जो कि हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की गलतियों के कारण सरकार नहीं बन पा रही है और उनको मंत्री पद नहीं मिल रहा है, 101% जो है वो किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी में शामिल हो और अपने फ्यूचर पॉलिटिकल करियर को ज्यादा सिक्योर कर सके। मामला सुलझ यहां भी नहीं जाता है कि जेडीएस के विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर देंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे ये बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि संख्या अगर कम रह जाती है तो दल बदल कानून भी है, उसके बाद भी कर्नाटक अस्थिर दौर से गुजरेगा। मानते हैं या नहीं आप इस बात को? नहीं, मैं इस चीज को मानता हूं। देखिए, एक यहां पे ये भी नहीं है, जेडीएस में कुल कितने 38 या 37 सीट्स मिली है, 38 मिली है ना, 38 मिली है, तो उसमें से 15-16 का भी जाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक तो ये, दूसरी ये चीज भी हो गई है कि 10-12 विधायकों से कहीं पे इस्तीफा दिलवाया जाए ताकि ऑटोमेटिकली ये इनकी जो बीजेपी की सीट्स है वो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी में आ जाएंगी। ओवरऑल जो आपका देखा जाएगा तो इस रेशियो से भी वो एक तरीका ये भी है, तो ये भी ऑप्शन वो मैनेज कर सकते हैं। और कोई देखिए, 15-20 विधायकों का जो है दो तिहाई अगर आप 20-25 को भी देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई इन दो रास्तों में से कोई भी एक रास्ता ऐसा नहीं होगा जिसको कि बीजेपी नहीं ले लेगी। और ये बीजेपी का वो नहीं है, ये मैं इसलिए बोलता हूं, ये ऐसा इसलिए होगा कि हर पॉलिटिशियन की, हर विधायक की जो अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उस महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर के ये सारी चीजें होंगी, तो वो कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगती। अगर ये यहां तक लेके चले गए हैं तो एक लास्ट मोमेंट को जो है ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी बड़ी एग्रेसिव है और बड़ी कैलकुलेटेड है, और कर्नाटक को तो ये किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहते हैं। येन केन प्रकारेण वाली जो राजनीति है उसका ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। राजनीति हो रही है कर्नाटक में, लेकिन राजनीति अस्थायी अस्थिर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी कब तक खैर बनाएगी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि अनुमान है, अनुमान लगाने को ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेगी। सुरेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश बहादुर जी, नैतिकता, इन सारी चीजों की बात तो बाद में करेंगे, नैतिकता, शुचिता, स्वच्छता, बेहतर राजनीति, इन सारी चीजों पर बाद में लौटेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज कर रही है सिचुएशन को, क्या देख रहे हैं आप? सुरेश जी देखिए जी, अब चूंकि राज्यपाल ने आमंत्रित कर ही लिया है और येदियुरप्पा जी ने सरकार बना ली है, तो अब सारी चीजें उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात होती है, जब किसी कोई त्रिशंकु विधानसभा होती है तो उसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, एक बात ये जरूर थी कि अगर राज्यपाल थोड़ा भी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आप विधायकों की लिस्ट जारी कर दीजिए, विधायकों की लिस्ट सूची हमको बताइए, ये राज्यपाल भी कर सकते थे, लेकिन उनके विवेक पर कोई सवाल उठाना, कोई उंगली उठाना उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। 1996 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, 177 सीटें मिली थी, उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन तत्कालिक गवर्नर ने उनको ये कहा, उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप अन्य विधायक कहां से लाएंगे, उनकी सूची हमें जारी कर दीजिए। वो उस समय सूची नहीं जारी कर पाए थे और स्वाभाविक उन्हें सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। वही यहां विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई, फिर बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, जब पोस्ट पोल अलायंस हुआ तब उन्होंने सत्ता बनाने का उन्हें अवसर मिला। एक उदाहरण यह भी है, और दूसरे उदाहरण अभी हमारे आपके साथ है, पोस्ट पोल अलायंस को यही आपने गोवा में, अन्य प्रदेशों में, 2-3 प्रदेशों में अभी देखिए, पोस्ट पोल अलायंस को राज्यपाल ने इंपॉर्टेंस दिया और उनको इन्वाइट कर लिया। तो हमारे सामने दोनों ही उदाहरण हैं, जो राज्यपाल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल की विवेक पर टिप्पणी करना उचित नहीं होता। जो भी राज्यपाल का विवेक था, जो भी उन्होंने निर्णय लिया, उसका वो उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। हां,
एक चीज जरूर है कि राज्यपाल ने येदियुरप्पा जी को आमंत्रित करे मुख्यमंत्री आमंत्रित कर दे उनकी राह आसान कर दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद कई संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जैसे हमारे भी मित्र ने कहा ये 222 की विधानसभा है, मुश्किल से 15 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो इस स्थिति 207 की आ जाएगी और 104 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनका बहुमत हो जाएगा। और ऐसे समय में जहां पद और जब हॉर्स ट्रेडिंग बहुत जोरों पर हो और पद और इच्छा की लालसा सत्ता की लालसा किसी नहीं होती है, एक महत्वपूर्ण पद जब दिया जाएगा या उसे आश्वासन दिया जाएगा कोई भी विधायक 10-15 विधायक इस्तीफा देने को तैयार, एक प्रबल संभावना इसकी भी की जा सकती है। दूसरी संभावना विपक्ष को, स्वाभाविक सी बात है विपक्ष को अपने विधायकों को जोड़े रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सत्ता से बाहर रह करके जोड़ना अपने आप में एक बड़ा सत्ता का लालच बहुत बड़ा लालच होता है। नहीं नहीं सुरेश जी, एक मानता हूं संभावना ये भी हो सकती है उनको शपथ ग्रहण करवा करके। सुरेश जी एक संभावना ये भी हो सकती है, देखिए पहले कांग्रेस और जेडीएस जो दोनों थे एक दूसरे के विरोधी थे एक दिन पहले तक, 10 मिनट में दोनों एक हो गए, तो हो सकता है पूरी की पूरी जेडीएस की जो टॉप लीडरशिप है वो अब बीजेपी को समर्थन दे दे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हर 10 मिनट में ये इनके डिसीजन बदल सकते हैं। अगर ये कांग्रेस से 10 मिनट में हाथ मिला सकते हैं तो इस पे क्यों नहीं विचार किया जा सकता है? वो सारी चीजें इसकी संभावना थोड़ी सी गौण इसलिए लगती है क्योंकि आपने समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी है, आप ऑन द रिकॉर्ड जाके एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति से मुलाकात किए, सरकार बनाने का दावा किया है, टॉप लीडरशिप या कुमारस्वामी ऐसा करेंगे? समर्थन लेना और देना तो कोई भी पार्टी कभी भी ले सकती है, कभी भी समर्थन खींच सकती है। आप देखिए पास्ट में भी ऐसे हुए हैं कि बहुत जल्दी से समर्थन ले लिया गया। नहीं आपने जी सुरेश जी नहीं, ये पोस्ट पोल अलायंस जो जेडीएस और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस पोस्ट पोल अलायंस हो गया है, इसलिए टॉप लीडरशिप ये संभावना तब व्यक्त की जा सकती थी जब जेडीएस का कांग्रेस से समझौता ना हुआ होता, और जेडीएस क्योंकि कुमार स्वामी ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री पद के उनके कैंडिडेट प्रत्याशी हैं, इसलिए कुमार स्वामी का टॉप लीडरशिप का जाना अब संभव नहीं है। वो उनके विधायक टूट सकते हैं लेकिन कुमार स्वामी का जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि कुमार स्वामी तो खुद ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। यही बड़ा कार्ड खेला था कांग्रेस ने बहुत बड़ा कार्ड खेला था, बिना शर्त समर्थन दे दिया था, गुलाम नबी आजाद वहां मौजूद थे, अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस पार्टी को स्थितियों का अनुमान था। सिद्धरमैया का बयान बताता है कि हम दलित मुख्यमंत्री चाहते हैं राज्य में वोटिंग के बाद, तो कांग्रेस को भी अनुमान था और पिछली गलतियां जो उसने की हैं कुछ राज्यों में वो नहीं दोहराना चाहती थी, इसलिए शायद उसने इतना जोर लगाया। आते इन बिंदुओं पर बात करेंगे, हमारे साथ राजेंद्र सिंह जादौन जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल वही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को कैसे मैनेज करेगी, बहुमत को कैसे साबित करेगी, आपकी नजर में क्या हालात दिख रहे हैं, आप साझा करें। राजेंद्र सिंह जादौन जी, ये जो पार्टी हाँ जी ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जो बीजेपी उभर कर आई है और उसको गवर्नर ने अपने तरीके से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया है, तो ये सारा ग्रीन रूम की जो पॉलिटिक्स है उसके अंडर में, ग्रीन रूम की पॉलिटिक्स में पद और पैसा दो ही फैक्टर होते हैं कि उनको लगता है कि हम मेजोरिटी हासिल कर लेंगे और मेजोरिटी प्रूव कर देंगे, यही एक कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के। अब इसमें गवर्नर पूरे टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको कभी तो कोई एक स्थापित परंपरा हमारे यहां नहीं रही, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि गवर्नर को संविधान की धारा 163(2) में इम्यूनिटी मिली हुई है कि उसके डिस्क्रिशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, और यही कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो येदियुरप्पा के जो शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगाई है और गवर्नर के फैसले को कहीं कोई उन्होंने जो इंटरप्ट नहीं किया है, और ये इस वजह से ये सारा जो है बीजेपी को एक चांस मिल रहा है। और बीजेपी तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना इनोसेंटली चुनाव लड़ रही थी, मुझे लगता है कि बीजेपी को पता था कि हम मेजोरिटी पूरी लेने नहीं जा रहे, हमें पूरी मेजोरिटी मिलने नहीं जा रही। सर क्या तो नैतिक है, क्या अनैतिक है राजेंद्र जी, वो जब भी राजेंद्र जी क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इस पे भी हम लौटेंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या परिस्थितियों को मैनेज कर पाएगी, आपको क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो कहने जा रहा था वो ये है कि जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो चाहे एक बार चुनाव प्रचार में वो नकारते रहे होंगे कि हम जो है
कर्नाटक को भी कांग्रेस मुक्त करने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बीजेपी को इस बात का एहसास था कि हम फुल मेजोरिटी हमें मिलने वाली नहीं है, और उसके उन्होंने पहले से ग्रीन रूम में कुछ इंतजाम किए हुए हैं, और यही कारण है कि मतलब आपको गुंजाइश दिख रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला की नजर है बेंगलुरु पे, वहां से उनको क्या इनपुट मिल रहा है उनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आपका स्वागत है। कर्नाटक में येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए हैं और इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर करारा हमला किया है। राहुल ने कहा है कि बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी की सरकार बनना संविधान का मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब बीजेपी अपनी खोखली जीत का जश्न मना रही होगी तो भारत लोकतंत्र की हार का शोक मनाएगा। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी खोखली जीत का जश्न मना रही है और पूरा भारत लोकतंत्र की हार का शोक मना रहा है। बहुत भारी भरकम शब्द हैं। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, ये बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी की सरकार बनना संविधान का मजाक उड़ाना है। आज सुबह जब बीजेपी अपनी खोखली जीत का जश्न मना रही होगी तो भारत लोकतंत्र की हार का शोक मनाएगा। तो राहुल गांधी के भारी भरकम शब्द कि भारत में लोकतंत्र की हार का शोक मनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खोखली जीत का जश्न मना रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर बचे सियासी घमासान के बीच अब लालू यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कर्नाटक में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्नाटक की तर्ज पर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, दो राज्यों के लिए अलग अलग मापदंड क्यों। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है कि क्या बिहार में बीजेपी को बहुमत मिला था, क्या बिहारियों ने बीजेपी को बहुत बुरी तरह नहीं हराया था, नीतीश जी की मदद से की बात उन्होंने कही है, और लोकतंत्र का जनाजा चोर दरवाजे से निकालकर सरकार में बैठ मलाई चाट रहे हैं। और कर्नाटक के मामले में वो उच्च कोटि का प्रवचन किसे सुना रहे हैं, बांट रहे हैं। बड़े गंभीर हमले विपक्षी पार्टियों की तरफ से और उनकी निराशा इन ट्वीट्स में साफ दिख रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की हार का शोक मनाया जा रहा है, अब मलाई चाटने की बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे कि मुझे सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए, मैं भी बना चुका होता क्योंकि मैं बिहार में सबसे बड़े दल की अगुवाई करता हूं। तो ये बातें हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल बना हुआ है। सुरेश बहादुर जी हैं, राजेंद्र सिंह जादौन जी हैं, एके मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हैं। मनीष के पास तमाम इनपुट है कर्नाटक से संबंधित। मनीष, फिलहाल कैसे मैनेज किया जा रहा है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समय को? मनीष, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और उसके बाद लगातार एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, और उसके बाद अभी हमने देखा कि बीएस येदियुरप्पा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। पहली बाजी जो है वो येदियुरप्पा जीत गए हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो बहुमत साबित करें। तो लगातार अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के चार केंद्रीय मंत्री इस मामले पर लगातार कर्नाटक में टिके हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं, और पहली चुनौती उनकी पहली कोशिश ये है कि जो आंकड़ा है बहुमत के लिए उसको पा लिया जाए और जो विरोधी खेमे के जो विधायक हैं उनको अपने पाले में कर लिया जाए। और चूंकि अमित शाह की बात करें तो बहुत बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, कई बार देखा गया है कि उनकी रणनीति के सामने विपक्षी जो पक्ष है वो कई बार फेल हो गया है। तो माना जा रहा है कि जो बीजेपी है ये जादुई आंकड़ा है उसको पार कर लेगी। और कर्नाटक की अगर बात करें तो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद येदियुरप्पा को अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने फोन करके बधाई दी है, मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे दी है। तो कह सकते बात हैं मनीष, जानना ये चाहते हैं, ये सब तो होने की गुंजाइश दिख रही है,
कि लुका छिपी का दौर शुरू हो जाता है, कोई अपने विधायक यहां छुपाता है, कोई राज्य से बाहर भेज देता है, किसी की जगह के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो अभी फिलहाल जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल है? क्योंकि लगातार खबर आ रही थी कि जब कांग्रेस पार्टी के जो चुने हुए विधायक हैं उनकी बैठक चल रही थी तो कुछ विधायक पहुंचे नहीं, तो कयासों का दौर तेज हो गया। जनता दल सेक्युलर के साथ भी यही हुआ, फिलहाल क्या है, कहां है उनके विधायक और क्या चल रहा है? देखिए, इस समय अगर हम बात करें तो राजभवन के सामने कई विधायक वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह लोकतंत्र का जनाजा निकाला गया उसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का इस मामले में बयान आया कि उनके जो विधायक हैं वो एक रिसोर्ट में हैं, सेफ हैं और कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम जेडीएस की बात करें तो लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं और ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि जेडीएस के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जो विरोधी खेमे के विधायक हैं लगातार बीजेपी संपर्क में है और उसकी पहली कोशिश यही है कि कम से कम 15 से 16 जो विधायक हैं उनको तोड़ लिया जाए, उनको अपने खेमे में मिला लिया जाए और जो जादुई आंकड़ा है उसको पा लिया जाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत बड़े रणनीतिकार इस मामले में माने जाते हैं, जोड़ और तोड़ की राजनीति का उनको महारथी माना जाता है। तो कह सकते हैं कि कर्नाटक में भी जब वो अपनी गाड़ी को यहां तक खींच लाए हैं कि उन्होंने येदियुरप्पा को यहां तक पहुंचा दिया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो बहुमत हासिल करवाना अब अमित शाह के लिए बहुत कोई मुश्किल काम नहीं होगा, महज एक औपचारिकता है जो कुछ समय बाद यह तस्वीर जो है वो भी साफ हो जाएगी। जी, हालात कैसे बनते हैं मनीष, देखिए कि जोड़ और तोड़ के महारथी माने जाते हैं, ये शब्द के मायने बदल गए, इसको उनकी तारीफ समझें या तौहीन समझें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हालात ही ऐसे बन गए हैं और इसके महारथी अमित शाह बताए जा रहे हैं। कई राज्यों में सरकार उन्होंने बना ली और जिसने सरकार बना ली, जिसने बाजी जीत ली, वो सिकंदर हो जाता है, बहुत पुरानी कहावत है। मैं आता हूं आपकी तरफ, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कर्नाटक में अब क्या हो सकता है। जोड़ और तोड़ के महारथी अमित शाह मैनेज कर लेंगे क्या? एके मिश्रा जी, अब बात आके टिक रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विधायकों के आंकड़े को, बहुमत के आंकड़े को छूती है, विधायकों का समर्थन सौंपती है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कह दिया है कि भाई आप लिस्ट हमें भी दीजिए। एक गुंजाइश जो बताई जा रही है वो ये है कि कुछ विधायकों का इस्तीफा करवा दो, जैसा कि सुरेश बहादुर जी कह रहे थे कि जनता दल सेक्युलर के या कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा कर दें तो फ्लोर टेस्ट में आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला जो एक पड़ाव है, बैरियर है, उसको आप कैसे पार करेंगे? वो तो कहेगी ना कि भाई आपसे हमने ये थोड़ी कहा है कि आप इस्तीफा करवा के फ्लोर टेस्ट पास करोगे, विश्वास मत जीतोगे या कोई और गलत हथकंडा अपनाओगे, ये तो पर्दे के पीछे का खेल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कल क्या करेगी, क्या चारा होगा उसके पास? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये जब इलेक्शंस के रुझान जब आ रहे थे या जब रिजल्ट आ रहे थे ना, मैंने एक शब्द जो यूज किया है कि आज की राजनीति जो है वो येन केन प्रकारेण वाली राजनीति हो गई है। और कई लोगों ने, बीजेपी के जो नेता है उन्होंने बोला है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं और सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है लोगों ने बोला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि भाई आप हमें अपने विधायकों की जो है लिस्ट दे दीजिए, इसमें देखिए क्या होता है, एक तो होता ये है, बीच में आपको टोक रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए आप, सिद्धरमैया यहां पे धरने पे बैठे हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं बेंगलुरु से, गुलाम नबी आजाद भी हैं उनके साथ, मैनेज करने के लिए बहुत तुरंत भेजे गए थे और कांग्रेस ने अब की बार बहुत सधी चाल चली थी, उसको अनुमान था, इसलिए उसने अपने आला नेता गुलाम नबी आजाद को हमने कई राज्यों में देखा है, तमिलनाडु की स्थितियों को मैनेज करने के लिए भी गुलाम नबी आजाद पहुंचे थे चेन्नई, उनके साथ अशोक गहलोत, बहुत सीनियर लीडर, बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, ये भी बेंगलुरु में थे। और जैसे हालात बदले उन हालातों में क्या पोस्टपोल लाइन हो, गठबंधन हो, कैसे हो, क्या करना है, इन सारी चीजों को मैनेज किया, लेकिन जब हाथ से बात निकल गई, बात जब चीजें फिसल गई, उसके बाद जो रणनीति है कांग्रेस की वो आपके सामने तस्वीरें देख रहे हैं। एके जी, नहीं मनीष जी, देखिए मैं आपको बताऊं, एक टर्म है एक्सपीरियंस वर्सेस इनोवेशन। देखिए अशोक गहलोत भी आ गए। हाँ, नहीं मैं आपको इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सपीरियंस वर्सेस इनोवेशन। आज के पॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस आए हैं और पीछे वो, खड़गे साहब ने देखा। हाँ, वो मैं आपको यही बता रहा हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी के कारण हर हाथ में मोबाइल और ये एंड्रॉयड फोन वगैरह आ गए हैं। पहले जो वोटर होता था वो अपना, जैसे मैं एक गांव की बात बताता हूं, अपने गांव की, पहले वोट का डिसीजन कैसे लिया जाता था,
कोई बड़ा आदमी कोई मुखिया बोलता था कि हम इनको डालेंगे। आज की डेट में हर वोटर जो है वो स्वतंत्र है क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन एंड्रॉयड फोन मोबाइल लैपटॉप में है, अखबार भी आज गांव गांव पहुंच रहे हैं। हर वोटर अपना डिसीजन, वो चाहे यंग हो चाहे बुजुर्ग हो, खुद अपना डिसीजन लेके डालता है। तो वोटिंग डिसीजन का जो टोटल पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अब जरा इस टर्म को आप ध्यान दीजिए, ये शायद पहली बार कि एक्सपीरियंस वर्सेस इनोवेशन। मैं ये मानता हूं कि आज की राजनीति में एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं है। उसका देखिए, अगर एक्सपीरियंस 70 साल की एक्सपीरियंस पार्टी कांग्रेस है और सबसे बुरी हालत कांग्रेस की हुई है, धरने पे बैठे हुए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए यहां पे जितने नेता हैं सब 50-50 साल 30-30 साल से उनका एक्सपीरियंस है, मंत्री मिनिस्टर रहे हैं, सरकारें बनाई हैं, इलेक्शन लड़े हैं। सवाल यह है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप फेल क्यों हो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं इलेक्शन जीत पा रहे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद भी आप चीजों को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा, आज अगर आपको पॉलिटिक्स में जीतना है या मैनेज करना है अच्छे तरीके से, तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस लीडर है उनकी लीडरशिप स्टाइल देखिए, भाषण देना, ट्वीट करना, वो इन सब चीजों से नहीं होता है। आपको नए नए तरीके, नए नए स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी ताकि हर प्रॉब्लम को, हर चुनौती को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आज की पॉलिटिक्स बड़ी रणनीतिक स्ट्रेटजिक पॉलिटिक्स हो गई है। पुरानी 20 साल 25 साल पहले की जो पॉलिटिक्स या जो एक्टिविटीज होती थी वो खत्म हो चुकी है और एक्सपीरियंस का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। ये तो राजनीति की बात हुई, कोर्ट कचहरी की बात भी बहुत जरूरी है। कोर्ट कचहरी से बहुत कुछ तय हो सकता है और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सियासत में ही तय हो जाए। अगर ऐसा होता तो उत्तराखंड की हालत पिछले दिनों हम नहीं देखते, जो कुछ वहां पे अचानक से उठापटक हुई और कोर्ट का दखल हुआ वहां पे। राजेंद्र सिंह जादौन साहब, बीएस येदियुरप्पा हो सकता है मैनेज कर लें, लेकिन कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि उनके पास वो आंकड़ा है जिसकी जरूरत सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक विधानसभा में चाहिए? देखिए, बीजेपी के पास एक ही विकल्प है कि वो विपक्ष के जो विधायक हैं उनको तोड़े, या तो पार्टियों में पार्टीशन कराए या किसी और तरीके से उनको तोड़ के, और उसमें दो ही फैक्टर हैं, पद और पैसा, तीसरा कोई फैक्टर है नहीं। सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, या तो जेडीएस में पार्टीशन कराए। टेक्निकल टर्म को मैं समझना चाहता हूं सर, अब ये जो लोकतंत्र का हार होने का, टेक्निकलिटी को समझना, हाँ, जो लोकतंत्र की हार का शोक मना रहे हैं, उनको शोक मनाने को छोड़ के अपनी पार्टियों को इंटैक्ट रखना चाहिए सर। एक किसी तरह एक टेक्निकल टर्म को समझना, लोभ लालच। राजेंद्र सिंह जी, एक बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करना है कि हाँ हमारे पास जरूरी आंकड़ा है, नहीं तो कोर्ट के पास ताकत है कि वो चीजें अपने हिसाब से तय करें। और ये हमने पिछले कई मामलों में देखा है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, वाइज स्टेप कहेंगे, चालाकी वाला कदम कहेंगे, कि मामले को लेकर वो कोर्ट पहुंच गई, आधी रात को सुनवाई हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के 10 या 15 विधायकों का समर्थन पत्र कोर्ट में देती है तो उसी कोर्ट कचहरी, संविधान से यह तय हुआ है कि दो तिहाई आंकड़े के बगैर अगर किसी को कोई समर्थन दे रहा है तो उस पर दल बदल कानून जो है वो प्रभावी होगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कोर्ट के सामने बड़ी विचित्र स्थिति होगी अगर कुछ विधायकों के नाम लेके ये जाते हैं कल कोर्ट में। आप समझ रहे हैं कि मिश्रा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं और कौन सा किस प्रश्न का जवाब यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जहां से दल बदल कानून बना है जिसकी रक्षा करना कोर्ट कचहरी का कर्तव्य है, वहां पे अगर 10-15 विधायकों के नाम के साथ चले जाते हैं तो उस पर तो ये अंडरस्टूड है ना, ये पहले से ही समझी गई बात है कि उस पर दल बदल कानून प्रभावी होगा, फिर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी कोर्ट के सामने। और उस वक्त क्या हो सकता है, क्या होता है, क्या होगा, उस पे आपकी आपका जो है वो कमेंट हम चाहते हैं आप सभी मेहमानों का। सुरेश जी देखिए, एंटी डिफेक्शन एक्ट को ये से बचने का, इनको एंटी डिफेक्शन एक्ट से बचने का प्रभाव कोई बंदोबस्त तो वो करेंगे ही, अगर उसको बगैर चले गए तो वो तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो अपने आप में फिर मेजोरिटी प्रूव करना ही मुश्किल हो जाएगा और पूरे देश के सामने एक्सपोज हो जाएंगे कि आखिर में वो क्या करते रहे हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है यूपी में एक बार ये हुआ था कि जब बहुजन समाज पार्टी की मेजोरिटी थी तो बहुजन समाज पार्टी में एक पार्टीशन करवा दिया गया था और एक लोकतांत्रिक बहुजन दल बनवा दिया गया, लोकतांत्रिक बहुजन दल को फिर मान्यता दिलवा दी गई
फिर उसको जो है उसका विलय करवा दिया गया समाजवादी पार्टी में, और ऐसे मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बना ली। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कोई रिपीटेशन ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कहा जो करना होगा वो आज आज में ही करना होगा। एक्सपीरियंस पुराने जो नेगेटिव सर, हाँ, तो आज का दिन और आज की रात है, प्लांट है कोई थ्योरी है कि ये कहीं हाँ एंटी डिफेक्शन एक्ट से ये बचते हुए कोई पार्टीशन करा देंगे किसी भी पार्टी में, और एक नए दल के रूप में नए गुट के रूप में एक फॉर्मेशन करके या तो उसका समर्थन ले लेंगे, समर्थन ले लेंगे इनिशियली, बाद में हो सकता है कि वो उसका विलय करा दें। कुछ इसी तरह की जोड़ तोड़ है, जोड़ तोड़ के भी अपनी एक एक सीमा है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि कानून और संवैधानिक प्रावधानों ने घेराबंदी की हुई है कि आप मनमाना कुछ भी नहीं कर सकते जी, कि जी। ये दो विधायक हमारे साथ आ गए तो आप दो विधायक आएंगे तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा, ये है। तो ये कुछ यहां सवाल ये है कि बीजेपी के पास सॉरी बीजेपी की अगर कोर्ट के हिसाब से केवल हमारे पास बीजेपी के पास केवल आज तक का टाइम है कि आज जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, उसके बाद कोर्ट का जो अपना डिसीजन है वो चीज आएगा। तो सवाल जब हम टाइम बाउंडेशन टाइम लिमिट के हिसाब से अगर हम डिस्कस करेंगे तो मुझे ये लगता है कि जो एक ऑप्शन ये है कि यहां पे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट तो हमेशा जो है टाइम दे देती है। जैसे कोई भी मान लीजिए बीजेपी ने कुछ ऐसा किया कि साहब हम आज जमा नहीं कर पाए, ये हमारे पास है, हमें चार दिन का और टाइम दे, राज्यपाल जी ने भी इनको टाइम दिया है, तो मुझे लगता है कि ये जो 24 घंटे का पैरामीटर बाधा है तो यहाँ पे बीजेपी टाइम गेन करने की कोशिश करेगी कुछ न कुछ बोल करके कि इतने का। कांग्रेस भी शांत नहीं बैठी है, के मिश्रा जी आप देखिए पूरे मामले में कांग्रेस बहुत आक्रामक है, वरना वो भी ये जानती थी कि राज्यपाल के विवेक पे निर्भर करता है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाए या फिर पोस्ट पोल अलायंस का जो गठबंधन है उसके बाद जो दावा किया गया है उसके नेता को बुलाए, और ये विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन तुरंत चुनौती दी गई, कांग्रेस ने जो एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई वो भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस चुप नहीं रहने वाली, वो लगातार कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील देते रहे कि शपथ ग्रहण समारोह को टलवाइए, क्योंकि वो जान रहे थे कि एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि जो एक पहला चैलेंज था उसको मैनेज करने में कांग्रेस फेल हो गई, बीजेपी जो है देखिए अपने टाइम पे इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह ले लिया। अब जो नेक्स्ट चैलेंज अगर मैं बोलूं, आप जो बोल रहे हैं कि भाई केवल आज का टाइम कोर्ट ने दिया है, तो मेरे ख्याल से हालांकि मैं अपडेटेड नहीं हूं, मैंने ये न्यूज नहीं देखी थी ड्यू टू सर्टेन रीजन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट इस टाइम को लिंगर ऑन नहीं कर सकती है। हो सकता है ये कुछ ऐसा प्ली दे या कुछ ऐसा दें कि साहब आप हमें चार दिन का टाइम और दीजिए, दो दिन का टाइम और दीजिए। हालांकि अगर आप 12 घंटे का देखा जाए तो इस चीज को मैनेज करना, 12 घंटे में ही सारी चीजें करना कि किसी पार्टी को तोड़ना और उस नई पार्टी को बनाना या आप दो तिहाई से ज्यादा लोगों को अपने फेवर में करना, ये एक चैलेंजिंग टास्क बीजेपी के लिए होगा। लेकिन जो मुझे फर्स्ट ये लगता है कि बीजेपी ऐसी सिचुएशन में जो है वो लिंगर ऑन करने की कोशिश करेगी, और अगर राज्यपाल साहब ने ये शपथ दिलवा दी है और एक टाइम लिमिट दिया है तो कोर्ट के सामने भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि वो राज्यपाल साहब ने जो उनको टाइम लिमिट दिया है उस चीज को कोर्ट कैसे नकारेगी। सर अब इस चीज पे देखिए, जो कुछ रात को हुआ है कोर्ट के अंदर उसी को ऑन द रिकॉर्ड रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी गई है वो ये बात लेके गई है कि राज्यपाल से 15 दिनों का वक्त मिला है, इस पे कोर्ट से सवाल पूछा गया है, जो भारत की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल साहब इसकी पैरवी कर रहे थे, तो उन्होंने सवाल पूछा कि राज्यपाल के विशेषाधिकार पे हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन राज्यपाल क्या कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, इस पे हम सुनवाई कर सकते हैं। सीधा सवाल पूछा गया कि 15 दिनों का वक्त क्यों, ये कोर्ट से सवाल पूछा गया है, जो तीन जजों की बेंच बैठी है उसने प्रश्न किया है कि 15 दिनों का वक्त क्यों। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर जोर दे रही थी कि 15 दिनों का वक्त क्यों दिया गया है, जबकि येदियुरप्पा ने इनिशियली मात्र 7 दिनों का वक्त मांगा था। आते हैं आपकी तरफ सुरेश बहादुर जी, सवाल ये है कि आप कल कोर्ट में जाएंगे लिस्ट के साथ, हो सकता है कि आपको समय मिल जाए, हो सकता है ना मिले, कोर्ट की तरफ ये कोर्ट का मामला है, बट सवाल ये आता है कि 10-15 विधायक जो घट रहे हैं उनके समर्थन का पत्र या उनकी सहमति का कोई दस्तावेज आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे साथ इतने विधायक हैं। अगर वो 15 कांग्रेस से होते हैं, अगर वो 15 जेडीएस से होते हैं, तो अपने आप उन पे दल बदल कानून का जो प्रावधान है वो प्रभावी रहेगा। कोर्ट में आप लेके कैसे जाएंगे कि जी फलां दल के 15 विधायक हमारे साथ है, कोर्ट ये कहेगा ना कि भाई 15 अगर वो आ रहे हैं आपके साथ तो उनकी जो सदस्यता खत्म हो जाएगी। टेक्निकलिटी बारीकी समझ रहे हैं आप मेरे सवाल, आप सब
सवाल की जो आत्मा है उसको समझते हुए इस पूरे मामले को समझाएं। सुरेश बहादुर जी, देखिए मनीष जी, कोर्ट ने जो सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप हमें विधायकों की लिस्ट दे दीजिए। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आपके पास सिर्फ 108 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के 104 विधायक हैं जो बहुमत नहीं दे सकते हैं। अगर आप 104 विधायक आपके पास हैं और अगर दल बदल आप दूसरे दलों के विधायकों का नाम देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप उसमें दल बदल या फूट डाल रहे हैं। और जब तक दो तिहाई बहुमत नहीं होगा, दो तिहाई बहुमत नहीं होगा तब तक दल बदल नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर कोर्ट कर सकता है या अनुरोध किया जा सकता है कोर्ट गोपनीयता बरते और उसको सार्वजनिक ना करे। एक एक ऑप्शन ये बचता है, इनके पास दो ऑप्शन है। अगर ये तो 15 विधायकों के तुरंत इस्तीफे दिलवा दिए जाएं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इनका कोर्ट को ये लिस्ट देंगे लेकिन कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि गोपनीयता बरती जाए, उनके नाम उजागर ना किए जाए, नहीं तो ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कोर्ट कैसा निर्णय लेता है। क्योंकि कोर्ट ने इनको बहुत धर्म संकट में डाल दिया। और एक बात जो हमारे मित्र राजेंद्र जी कह रहे थे वो संभव इसलिए नहीं है, अभी तीसरे दल का गठन इसलिए नहीं किया जा सकता। हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था बहुजन समाज पार्टी का जब विघटन हुआ था तो उसमें स्प्लिट विद इन द स्प्लिट हुई थी। पहले ये कहा गया था 39 विधायक आए, 39 विधायक से 13 रह गए, 26 लौट गए, वो स्प्लिट विद इन द स्प्लिट थी। और वो आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी की गुणवत्ता थी, उन्होंने उसको स्प्लिट विद इन द स्प्लिट को सही साबित कर दिया। लेकिन अब दूसरे दलों में स्प्लिट करने के लिए अब ये जरूरी है कि पहले स्पीकर का चयन हो। जब स्पीकर का स्पीकर ही तो मान्यता देगा किसी नए दल को, जब तक स्पीकर का चयन नहीं होगा, सुझाव नहीं होगा, तब तक स्प्लिट की संभावना को नकारा जा सकता, स्प्लिट की संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। तो बड़ी संवैधानिक स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के सामने बस एक विकल्प बच रहा है कि वो 15 से विधायकों का, कम से कम 15 विधायकों का इस्तीफा दिलवा दे, चाहे जिस दल से हो उनका इस्तीफा हो जाए और उन्हें बहुमत अपना साबित करने में तब सफलता मिलेगी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से उनके सामने संकट पैदा कर दिया है। न्यायालय में मामला बहुत गंभीरता से गया है, कई पक्षकार हैं और सबको नोटिस किया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप इस पे जवाब दें, पक्षकारों को बोला है और हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2016 को आप याद कर रहे होंगे, हरीश रावत की सरकार चली गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उनके खास सिपह सलार हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा, तमाम 9 विधायक थे जिसमें कई मंत्री थे, उन सबने बगावत कर दी, सरकार अल्पमत में आ गई और उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन। लेकिन हरीश रावत कोर्ट में गए, कोर्ट ने परिस्थितियों का मुआयना किया, चीजों को देखा समझा, फिर से सरकार बहाल हुई। इन परिस्थितियों में कोर्ट की ताकत को देखना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। एके मिश्रा जी, नहीं, कोर्ट का देखिए अपना एक जो विशेष अधिकार है, कोर्ट में जितने भी माननीय जज हैं वो बहुत विद्वान होते हैं और यहाँ पे मामला इतना पेचीदा फंस गया है। देखिए, कोर्ट किसी भी तरीके से किसी के भी अधिकारों का हनन या उल्लंघन नहीं करेगा। कोर्ट ये चाहेगा कि जो जनादेश आया है उसके अंतर्गत जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं कानून के हिसाब से, ताकि राज्यपाल महोदय के भी जो अधिकार हैं उनका हनन न हो। इसके साथ साथ जो पार्टियां हैं, लार्जेस्ट पार्टी होकर के अगर राज्यपाल जी ने इनिशिएटिव लिया है बेस्ड ऑन कि बीइंग बीजेपी उसको लार्जेस्ट पार्टी उसको तो, उसको उसको खारिज भी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि देखिए राज्यपाल का डिसीजन है, वो होने दीजिए, लेकिन आगे जो हो रहा है उसमें हमारी भूमिका बनती है, हमारा भी स्थान है, न्यायपालिका बहुत मजबूत है। नहीं, मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, देखिए कोर्ट का अपना स्थान है, मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जो एक प्रक्रिया चली है, मनीष जी, अब समाप्त हो गई है। जी हाँ, बताएं जी। सुरेश जी, क्या बोल रहे थे आप? मनीष जी, जी जी, राज्यपाल जी की भूमिका अब समाप्त हो गई है, उन्होंने सरकार का गठन सरकार के गठन की अनुमति दी है और येदुरप्पा जी की सरकार बन गई है। अब येदुरप्पा जी को अपना बहुमत सिद्ध करना है विधानसभा में, वो तो बाद की बात हुई सर। विधानसभा में बहुमत सिद्ध, विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है, बहुमत विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है, वो बहुत बाद की बात हुई जी। आप देखिए कि 2 बजे रात को किन किन मामलों में सुनवाई हुई है, आप मानते हैं 2 बजे रात को अदालत बैठी है, सर्वोच्च अदालत? नहीं, मैं उसी एक आतंकवादी के फैसले के मसले को लेकर और दूसरा कर्नाटक के सियासी संकट को लेकर, मामले की गंभीरता को आप समझ रहे हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये जानना चाहती है कि आप अपना बहुमत कहां से सिद्ध करेंगे। मनीष जी, सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है वो बीजेपी से, वो ये जानना चाहती है। जी बताएं मनीष जी। जी 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 बताएं। एक मिनट मेरी बात आप सुन ले, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अब राज्यपाल की भूमिका पर कोई सवाल नहीं है। अब मामला
सर्वोच्च न्यायालय का है, वो कहीं राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न नहीं है। राज्यपाल ने जो कहा वो हो गया, अब सर्वोच्च न्यायालय ने आपको साबित कर, सर्वोच्च न्यायालय को साबित करना है आपको। इसलिए मामला राज्यपाल से अलग हट करके अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ चला गया है। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपना देना है बहुमत साहस करने के लिए। मेरे पास कहां से विधायक आएंगे, कहां से कहां आएंगे? ठीक बात, क्योंकि राज्यपाल ने तो आपको, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, आपको राज्यपाल ने आमंत्रित कर लिया, आपने सरकार का गठन कर लिया। हम समझने बूझने की कोशिश जारी रखते हैं सर, समझने बूझने की कोशिश जारी रखते हैं। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम आपसे जानेंगे कि अब क्या हो सकता है। मुश्किल कम नहीं हुई है, फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ अदालत की निगरानी में चला गया है। अदालत ने नोटिस कर दिया है, पक्षकार बना दिए हैं, सवाल कर दिए, जवाब देना होगा, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड देना होगा बीएस येदियुरप्पा को। मैं मानता हूं कि कोई जोड़ तोड़ का महारथी हो सकता है, लेकिन अब महारथ यहां दिखाइए तो माने। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बीएस येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के विरोध में कांग्रेस नेता कर्नाटक विधानसभा के बाहर गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठे हैं। धरने पर सिद्धरमैया, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत और कांग्रेस के सीनियर एमएलए बैठे हुए हैं। ये सभी बीएस येदियुरप्पा की शपथ ग्रहण का विरोध कर रहे हैं। सीनियर एमएलए इसलिए कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि हमारे कुछ एमएलए जो हैं उनको रिजॉर्ट में रोका गया है। जब सारे वहीं रहेंगे तो रिजॉर्ट में कौन कौन गया है? लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं उसमें आप देख सकते हैं गुलाम नबी आजाद काउंटिंग से पहले ही पहुंच गए थे बेंगलुरु। अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद काउंटिंग से पहले ही, सिद्धरमैया ने बोल दिया था कि हम दलित सीएम बना सकते हैं, बनाएंगे, दलित चेहरा होगा सीएम का। अनुमान सब कुछ था कि क्या होने वाला है, बस दावे किए जा रहे थे कि मैं बहुमत पालूंगा, मैं बहुमत पालूंगा, लेकिन सच्चाई का आभास सभी को था और इसी वजह से सबने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। ये देखिए तस्वीरें लाइव आ रही हैं विधानसभा भवन परिसर से। ये विधानसभा परिसर से देखिए कांग्रेस के तमाम नेता, सारे विधायक नहीं, सारे विधायक होते तो संख्या और ज्यादा होती। इस बात में दम है कि कांग्रेस पार्टी ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी, गौर करिएगा, उनके विधायकों का शिकार कर रही है। बड़े बड़े शब्द सुनाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र की हार का शोक मनाया जा रहा है देश में, भारतीय जनता पार्टी खोखली जीत का जश्न मना रही है। और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ये भी बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों का शिकार कर रही है, इसलिए उनको बचाने के लिए रिजॉर्ट में छुपाया गया है। लोकतंत्र के तमाशे हैं ये जो आप देख रहे हैं कर्नाटक में। रात भर दिन भर इस मामले में उठापटक का दौर चलता रहा, अब भी जारी है। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि येदियुरप्पा कब तक सीएम होंगे। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी में एक से एक मैनेजर हैं, जोड़ तोड़ के महारथी हैं, वो मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन यहां पे कोर्ट की निगरानी में है सारा मामला, कोर्ट के सामने आपको भरोसा दिलाना होगा, सबूत देना होगा कि आपके पास वो आंकड़ा है या नहीं। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उसका रुख करेंगे, उससे जानेंगे कि भाई वो क्या अनुमान लगाते हैं, उनके मुताबिक क्या हो सकता है। उसके पहले कुछ और जानकारी आपको देते चलें कि बेंगलुरु में एक ओर येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो दूसरी तरफ कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी और विरोध स्वरूप ही गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन कर रही है पार्टी। तो वहीं दूसरी ओर उसके विधायकों के शिकार होने का डर भी उसे सता रहा है। इसलिए शिकार को कोट अनकोट में समझिएगा, शिकार मतलब कि जोड़ तोड़ की बात कही जा रही है। इसलिए विधायकों को रिजॉर्ट में रुकवाया गया है, विधायकों को कांग्रेस एक रिजॉर्ट से ले जाकर, देखिए ये भी तमाशे की बात है, उनको एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट तक ले जाया जा रहा है कि कोई सेंधमारी ना करते इससे उन्हें और स्प्रेडिंग से बचाया जा सके। तूने तार इतना बांध दिया है। तो शिकार होने से बचाया जा रहा है कांग्रेस के विधायकों को। वहीं केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाया है। कांग्रेस हार चुकी है, कांग्रेस को कर्नाटक के 6.5 करोड़ जनता ने नकारा है प्रोटेस्ट काय के लिए? यदि उनको प्रोटेस्ट करना है कांग्रेस को सोनिया जी के, राहुल जी के और सिद्धरामैया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए।
हम अपने पैनल से मिलवाते हैं। सुरेश बहादुर जी लगातार बने हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एके मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप लगातार बने हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही राजेंद्र सिंह जादौन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण मेरे सहयोगी कोर्ट कचहरी कवर करते हैं, वो समझाएंगे मसले को, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है और क्या हो सकता है। गोपाल जी स्वागत है। और मेरे एडिटर नेशनल अफेयर गोविंद ठाकुर जी हैं, इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। गोपाल जी, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप समर्थन पत्र हमें दिखाइए कि आपको कौन कौन समर्थन दे रहा है और आप बहुमत के आंकड़े को अचीव करते हो, हासिल करते हो, साबित करना होगा। नहीं तो सिर्फ ये कह के येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग मन को तसल्ली दे लें कि अब हमने सीएम बना लिया है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा? देखिए, जहां तक मैनेज का सवाल है तो अब ये पार्टी के ऊपर है कि कैसे मैनेज करती है, लेकिन इसको लेकर के, बहुमत को लेकर के कल यानी कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी है, 10:30 बजे सुनवाई होनी है। और यह दिखाना पड़ेगा याचिकाकर्ता को कि आखिर जो व्यक्ति समर्थन दे रहा है, जो एमएलए समर्थन दे रहा है, उनकी सीटें कितनी, कितनी संख्या बल है। और साथ ही वह लेटर दिखाना होगा जो राज्यपाल ने येदियुरप्पा को दिया था, ऑफर किया था, वह लेटर भी दिखाना पड़ेगा। क्योंकि रात को जब सुनवाई हो रही थी उस समय अभिषेक मनु सिंघवी से जस्टिस बोबड़े ने कहा कि आप लेटर दिखाइए समर्थन का, उसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन इनके पास लेटर नहीं था। वहीं अगर हम बात करें अभिषेक मनु सिंघवी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का बीजेपी है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकारें मिलीजुली से बनी है और पार्टी खुद ये उदाहरण है इसका, बीजेपी का, कि कई जगह इस तरीके से बीजेपी पार्टी लेकर के अपने सरकारें बनाई है। तो आखिर 9 बजे येदियुरप्पा क्यों उन्हें ऑफर दिए, जबकि सबसे मिली जुली सरकार और बहुमत नहीं है, उसके बावजूद इन्हें समर्थन क्यों दिया गया और क्यों इनको एक सप्ताह के जगह पर 15 दिन का वक्त दिया गया, इस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए थे। कहा था कि जब खुद पार्टी कह रहे थे कि हमें 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें 2 हफ्ते का समय क्यों दिया। उसके बाद संख्या बल को लेकर के जब बातें हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वह लिस्ट दिखाई कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो आपको समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे की सुनवाई करेंगे। तो इसके लिए शुक्रवार का समय तय किया गया, 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा इस पर। तो देखना होगा कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन कोर्ट ने रात ही साफ कर दिया था कि शपथ ग्रहण समारोह पर वह रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि जो कानून है उस कानून के मुताबिक अब तक सबसे बड़ी पार्टी को ही सरकार बनाने का सबसे पहले न्योता दिया जाता है। गोपाल, यहां पे बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, आप इसको बेहतर समझाएंगे और ये हम जानना चाहते हैं। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप समर्थन पत्र हमें दीजिए और इस सवाल पे मैं लगातार बना हुआ हूं, कुछ संतोषजनक जवाब मिले इस पे। दल बदल कानून भी है अस्तित्व में, अगर भारतीय जनता पार्टी 104 के अलावा 15-20 विधायकों का समर्थन पत्र लेके जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में वो कैसे बताएगी कि हमें समर्थन कर रहे हैं? अगर वो दिखाएंगे कि ये नाम जेडीएस से है, जेडीएस के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं या कांग्रेस के लोग समर्थन दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा ना इस बात को कि भाई इन पे तो दल बदल कानून प्रभावी हो जाएगा, फिर इनके समर्थन का मतलब क्या होता है आपके लिए? या तो आप 2/3 आंकड़ा, आप तो या तो कांग्रेस के इतने विधायक तोड़ लीजिए, इतने विधायकों का नाम दे दीजिए समर्थन करने वालों में कि फिर ये सवाल ही ना उठे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो जेडीएस से हो। लेकिन अगर आप 10-15 नामों के साथ जाते हैं तो फिर तो वही बात हो जाएगी, आप दूसरे पचड़े में फंस जाएंगे, और वो भी कहां पे, जो न्याय की रखवाली करने वाली सबसे बड़ी अदालत है वहां पे आपसे सवाल उठेगा कि भाई आप तो दल बदल कर रहे हैं, फिर आप क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल, जहां तक जवाब का सवाल है तो बीजेपी के पास ऑप्शन है, कुछ है जो निर्दलीय विधायक हैं, जो कुछ नहीं है, सिर्फ दो हैं बिल्कुल, और उसमें से एक ने समर्थन दिया है। जी बिल्कुल, वो भी जो एक बचे हुए, हो सकता है कि उन्हें ऑफर दिया जाए और मंत्री बनाने का ऑफर दिया जाए, वो भी समर्थन कर दे तो आंकड़े कुछ बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो विधायक हैं जो इनके समर्थन में आएंगे, बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, तो फिर इस स्थिति में दल बदल कानून लागू नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर बीजेपी को हरी झंडी दे देगी। यही सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाला है, लेकिन इसके अलावा भी जिन जिन कानूनों की दुहाई दी जाएगी पार्टी की तरफ से और याचिका की कर्ता की तरफ से, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट सहमत होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। आते हैं आपकी तरफ गोविंद जी, सवाल समझ गए थे आप कहां मामला फंस रहा है। बिल्कुल,
देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, मुंबई एक जो रिपोर्ट जो कमीशन की जो डिसीजन आया था उसके हिसाब से बड़ी पार्टियों को, सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको सरकार बनाने के निमंत्रण मिलना चाहिए और मिला भी है। ठीक बात है। लेकिन एक परिपाटी है राजनीतिक लोकतंत्र में, जो राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि राज्यपाल किसको बनाए, किस पर भरोसा जताए। तो पिछले दिनों आप देख सकते हैं कई राज्यों में कहीं कहीं पे जो बड़ी दल है उनको बुलाया गया। सर आते हैं इस पे आते हैं। मैं एक बहुत सीधा सा सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए भाजपा जाती है पूरा बहुमत का आंकड़ा लेके कि भाई इन्होंने मुझे समर्थन दिया है, हो सकता है कांग्रेस के 15 लोगों से संपर्क में हो सकता है जेडीएस के 15 लोगों के संपर्क में हो, और ये सारा लेके जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये पूछेगी ना कि भाई 15 आप लेके आ रहे हो, क्या आपको कानून का नहीं पता है? 15 लाते हो, अगर आपको इनका समर्थन लाना ही है तो कांग्रेस का टोटल आंकड़ा है 78 का, ठीक 78 का है, तो उसमें से कम 50 लोगों का लेके जाओ, तब तो हम मान लेंगे कि भाई पूरा का पूरा दल ही टूट गया, मतलब तो उसमें दल बदल लागू नहीं होता है। या फिर जेडीएस के 25-26 को लेके जाओ, तब कोर्ट ये सवाल नहीं पूछेगा, कहेगा कि ना जी ठीक है आप कानूनी रूप से दुरुस्त हो। अब 10-15 लेके जाओगे तो कोर्ट कहेगा कि एक बवेले को मैनेज करने के लिए आपने दूसरा बवेला खड़ा कर दिया, और जिसकी गुंजाइश थी तो हम आपको क्यों आगे बढ़ने दें, हम आपको क्यों सरकार चलाने दें, हम आपकी सरकार को जायज नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर सकती है उस टाइम पे। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो अभी चल रहे हैं जो मामले इसमें सुप्रीम कोर्ट में है, शायद मुझे लग रहा है कि बीजेपी को ये इतना मालूम नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाना भी है तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट करा रुख आज सवाल पूछा जाएगा, ये उम्मीद नहीं थी। अब यहां पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 104 उनके विधायक हैं, एक आप निर्दलीय का लें तो 105 हो जाता है। ठीक है, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग करके आप अपने में मिला भी लेते हो तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा, जैसे आपने भी कहा ये बात को लेकर, इस पर कानून दर बदल कानून है, उस पर भी विचार किया जाएगा कि इस पर लागू होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, कानून ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के 50 विधायक भाजपा के संपर्क में, अगर ऐसा होगा तो फिर तो विचित्र स्थिति हो जाएगी, या जेडीएस के 26-27 उनके, हो सकता है कि जेडीएस में एक गुंजाइश बने कि 25-26 हो, तो 25-26 को मैनेज करना आपको लेके जाना होगा, मतलब कि बीजेपी ने सारा कुछ तैयार रखा है या बीजेपी खोखली बैठी है। मसूद जी देखिए एक चीज और है, अभी ये जो करना हो रहा है, अगर जेडीएस और बीजेपी का थोड़ा सा नेचर देखिए, 10 मिनट पहले तक जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था बहुत दुश्मनी थी, एक पॉइंट है, 10 मिनट में ये हो गए, और अभी ये जो धरना हो रहा है इसमें जेडीएस का कोई नेता मुझे नहीं दिख रहा है। एक पॉइंट, अगर आपके कोई रिपोर्टर वहां पे हो तो आप प्लीज उनसे जरा पूछिए। बिल्कुल, हमारे रिपोर्टरों की नजर है, जरा पूछिए जेडीएस के नेता भी इसमें शामिल है कि नहीं, क्यों नहीं शामिल है, अगर जेडीएस के नेता इसमें शामिल नहीं, हमारे रिपोर्टर ये तस्वीरें वहां से दे रहे हैं, हो सकता है पूरी जेडीएस अब बोल दे कि जी हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, भी कहा जा सकता ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कि जेडीएस से बीजेपी की बात भीतर चल रही है। देखिए ये बात भी है, जेडीएस इज मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक, मैं आपको बता, देखिए पिछला इतिहास वही है, पिछला इतिहास है। देखिए मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जेडीएस ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक गलती की है, इन्होंने जो कांग्रेस ने पासा फेंका ये फंस गए, इनको जब समर्थन देना ही है तो ये बीजेपी को देते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से पावर या जो पर्सनल पॉलिटिकल गेन के मिश्रा ने यहाँ पे, आपने बहुत वैलिड पॉइंट को उठाया है, हम तमाम टेक्निकलिटी में उलझे हुए थे, गणित को समझ रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कैसे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट न्याय की रखवाली के लिए है, और वहां पे आप कानून तोड़ते हुए कुछ विधायकों का समर्थन पत्र दिखाओगे, मैं आपको गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको बताऊं मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंट था इस चीज के लिए, देखिए आप सारे डायनामिक्स को एनालिसिस करेंगे, और बहुत सारे लोगों से इस इलेक्शन के लिए वहां पे जो कैंडिडेट्स हैं मैं टच में था, मैं उनको कंसल्टिंग दे रहा था उनकी स्ट्रेटजी के लिए। सवाल यहां पे आप सारे पॉलिटिकल पार्टी इन सब चीजों को छोड़ दीजिए, आप ये देखिए आप अपने आप को एज ए कैंडिडेट की तरह रखिए। मैं एक नेता हूं, जेडीएस 15 साल से आउट ऑफ पावर है, उसके जो लीडर्स हैं 15 साल से अकाल पड़ा हुआ है किसी पद का और पोस्ट का, तो जो उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है कैरियर को लेके, हर आदमी चुनाव लड़ता है चाहता है मैं जीतूं, जीतने के बाद मंत्री बनूं मिनिस्टर बनूं, ये महत्वाकांक्षा हर नेता की होती है। यहां पे जेडीएस की लीडरशिप अगर अब की बार नहीं दे पाएगी उनको ये आश्वासन या ये नहीं करवा पाएगी, तो जो एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग होती है नेता के बीच में और उनके कैंडिडेट के बीच में वो कमजोर हो जाएगी, और 15 साल तक कोई इंतजार, वो सब सारे विधायक बोलेंगे हम जा रहे हैं वहां पे हमें मिल रहा है आप अकेले बैठो, ये हो सकती है। मैं थोड़ा यहाँ मिश्रा जी से अलग राय रखता हूँ। बताएं बताएं कि कांग्रेस ने जो चाल चली, जो जाल फेंका, उसमें जेडीएस फंसी, इनका ये कहना है उनको नहीं करना चाहिए, बीजेपी के साथ जाना चाहिए। मेरी नजर में ये है कि जेडीएस को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, वो आ गई भी
इसका एक मतलब यह है कि कई काफी दिनों जैसे 15 साल आप कह ही रहे हैं कि इन दिन से जो राजनीति से अलग है सत्ता की राजनीति से, ऐसे में कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल रहा था और नेतृत्व किसका, जेडीएस का, समर्थन किसका, कांग्रेस का, अगर बीजेपी के साथ जाते तो क्या मिलता है, दो चार मंत्री पद ही मिलते ना, यहाँ तो पूरा मुख्यमंत्री हो रहा है ना। बीजेपी ये भी कंप्रोमाइज कर लेती, बिहार में आप देखिए बड़े आराम से बीजेपी बोलते ठीक है भाई आप बनो, कुमार स्वामी को बोलती आप मुख्यमंत्री बनो, येदुरप्पा को एडजस्ट कहां करती, बीजेपी के पास ऑप्शन है, वो सेंटर में एडजस्ट कर सकती थी येदुरप्पा को। लेकिन अगर ये पहले इन्होंने ये संभावना देखिए, यहाँ पे जेडीएस ने गलती कर दी, सारी संभावनाओं को टटोला नहीं, अगर आप बीच में हो तो आपको दोनों तरफ देखना चाहिए था किसका ऑफर क्या है। मुझे ये लगता है जेडीएस वालों ने बीजेपी से बात ही नहीं की, हो सकता है मुख्यमंत्री बनिए। राजनीति में क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात तो ये भी है कि जेडीएस के लिए इससे मुफीद माहौल और कहां मिलता। बिना शर्त समर्थन, शुरुआत में जब नतीजे आए तो कांग्रेस ने बोला कि हम बिना शर्त समर्थन देते हैं और कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होंगे, जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री होंगे तो उनके तमाम लोग मंत्री भी होंगे, तो जो लाभ उनको यहां मिल रहा है वो तो वहां भी मिल रहा था। शब्द यूज किया जो एक स्ट्रेटजिक लैकिंग रह गई सोचने में। देखिए जब आप कांग्रेस ने दिया समर्थन, आपने बिना कुछ, आपको थोड़ा सा इतिहास से ज्ञान लेना चाहिए था, केसेस जो हुए हैं उनकी स्टडी करनी चाहिए थी, बीजेपी ने और जगह कैसे, ये सियासत है सर, सियासत है, अभी का सही फैसला दो मिनट बाद गलत हो सकता है, तो अब हो रहा है ना उनका फैसला गलत, अब वो सरकार नहीं बना पाए, ये हम तय नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैं अगर येदियुरप्पा ने सरकार बना लिया, इससे पहले आप देखिए येदियुरप्पा ने सरकार बना लिया जो बीजेपी कितने दिनों से सरकार बनी थी, कितने दिनों हुआ नहीं चल पाया ना, और फिर आप कह रहे हैं उसी के साथ जाने के लिए, राजेंद्र सिंह यादव हम चलते हैं, आते हैं आप लोगों की तरफ, कई बार जेडीएस ने ऐसा किया है और दूसरे स्टेट अब, में अब, भी अब एक लाइन पे आइए, अब एक लाइन पे आइए, आप सारे लोग राजनीति को समझते बूझते हैं, गोपाल जी कानून कचहरी को समझते बूझते हैं, राजेंद्र सिंह यादव जी आप ये बताइए, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए हैं, कहा जा रहा है कि आज से यदि सरकार, लेकिन कितने दिनों के लिए यदि सरकार, आज तक के लिए, कल तक के लिए, या 5 साल के लिए, या कुछ महीनों के लिए? देखिए येदियुरप्पा सरकार का जो भविष्य अभी काफी अनिश्चित भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना अनिश्चित भी नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि ये जो बात चल रही है कि जेडीएस जो है समर्थन दे देगा, अब जेडीएस पहले तो मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस के साथ अलायंस करने को तैयार हो गए थे, लेकिन अब क्या वो सेकंड फिडल में जाना चाहेंगे, सेकंड लाइन में रहना पड़ेगा, येदियुरप्पा तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, और जो महत्वाकांक्षा देवेगौड़ा की है कि वो तत्कालीन परिस्थितियों में एक कम बहुमत में भी प्रधानमंत्री बन गए थे, तो ऐसा उन्हें लग रहा था कि मैं बेटे को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है, लेकिन इसमें पार्टीशन की संभावना ही ज्यादा नजर आती है, और इसमें स्पीकर का होना कोई जरूरी नहीं है, एक हरियाणा का उदाहरण मौजूद है के 2009 में 25 लोग छोड़ दे जेडीएस को, हरियाणा वाला एग्जांपल बताएं, मेजोरिटी तो उन्होंने भजनलाल की पार्टी में एक उन्होंने पार्टीशन करवा दिया था, कोई 4-5-6 जो उनके विधायक थे उनमें से ही जोड़ तोड़ करवा के और 3-4 विधायकों का अलग गुट बना के उनकी बैठक करा के कि हम अलग पार्टी बनाते हैं, उसका एक मिनट्स रजिस्टर बनवा दिया और वो उसका समर्थन करवा दिया, बाद में लोग हाईकोर्ट में गए चैलेंज करने, हाईकोर्ट क्या करता है वो स्पीकर के ऊपर छोड़ देता है और कुछ हो ही नहीं पाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली सरकार 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार चल गई, उस पर फैसला कब आया, जब वो जो है कार्यकाल पूरा कर लिया था। नहीं मैंने आपको बोला टाइम गेन वाला फैक्टर कोर्ट में बहुत होता है, तब तक फैसला हुआ है कि ये 15 दिन 10 दिन बोलेंगे साहब हमारे पास लिस्ट अभी 4 लोग नहीं मिले हैं हम आपको परसों देते हैं, तब तक ये सारी चीजों को अगर बीजेपी को करना होगा तो वो कर लेंगे। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में एक टाइम गेन ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है हम बाद में डिबेट करेंगे, लेकिन टाइम गेन तारीख पे तारीख बड़े आराम से मिल जाती है, तो अब ये चीज देखना है कि कोर्ट कितना स्ट्रिक्ट होती है, कोर्ट ऐसा टाइम लिमिट का बार डालती है कि जी इतने बजे तक अगर आप नहीं लाए तो हम आपकी सरकार को खारिज कर देंगे, ये चीज भी देखना है तारीख पे तारीख। मुझे तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अगर ये जो लिस्ट बनाकर देने की बात कही गई दोनों पक्षों से, कांग्रेस और जेडीएस इसमें बहुत सहज महसूस कर रही होगी, क्योंकि 116 उनके हैं, ठीक है 2-3 भी चले भी जाए इधर उधर भी हो जाए, छुप गए हो चाहे छुपा दिया गया हो तो वो जमा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए काफी दिक्कत है, 104 से 105 या 6-7 करना मुझे नहीं मुश्किल लगता, अभी न्यायालय में ही ये बात आ जाएगी कि चलो भाई इसकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, अगर इसके बाद भी आगे
स्पीकर के सामने का मौका आता है तो उसमें जरूर है कि इस हॉर्स ट्रेडिंग गोविंद जी, गोविंद जी स्पीकर के सामने वाले में, स्पीकर के सामने वाले में तो फिर भी थोड़ी राहत दिख रही है। आप सुनिए, स्पीकर के सामने वाले में तो थोड़ी बहुत गुंजाइश दिख रही है, लेकिन कोर्ट के सामने वाले में आप क्या दिखाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं, आप लिस्ट ही देनी पड़ेगी। मान लीजिए ऐसी चीज है, अब खैर मैं बहुत अपडेटेड नहीं हूँ, रात को मैंने देखा नहीं है कि पॉइंट क्या है। मैं कराता हूँ आपको, लेकिन ऐसा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है कि 25 या 30 विधायक कांग्रेस बोल रही है जी हमारे साथ है, बीजेपी नहीं नहीं जी ये इनकी गलत है लिस्ट, ये हमारे साथ है, फिर क्या होगा? यहाँ पे भी मामला उलझ सकता है ना कि कौन किस, फिर बोलेंगे जी आप फ्लोर टेस्ट करवाओ, फिर टाइम गेन इनको होगा। मामले को उलझाने की बात है, जेडीएस बोलेगी हमारे साथ है, बीजेपी बोल रही नहीं साहब ये सारे तो हमारे साथ है, ऐसे में पार्टी प्रोटोकॉल की बात आ जाएगी, टाइम की आएगी और टाइम गेन तो होगा ना। फिर ये होगा जी कि फ्लोर टेस्ट करवाओ। लेकिन अब कांग्रेस के विधायक को अगर कांग्रेस के लिस्ट में उसको दिया जा रहा है तो बीजेपी के जो लिस्ट है उसमें दिया जाए तो विश्वास किस पर करे? पार्टी के जो सिंबल दिया गया है तो कोर्ट को उसमें कोर्ट ने रात में दोनों से पूछ दिया है कि टू थर्ड टूट गए सरकार की तरफ से, महाधिवक्ता गए टूट गए, फिर नई पार्टी बनो, केंद्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता गए थे, जेडीएस के टू थर्ड हमको समर्थन देने के लिए तैयार है जी, ये लिस्ट है, ये ऑथेंटिक, तब तो बात बन जाए। लेकिन सर ये बताइए, लेकिन उलझाएगी टाइम गेम करने, हाँ जरूर उलझाएगी, लेकिन एक प्रकारण वाली राजनीति जो बीजेपी ने जो एक ट्रेंड शुरू किया है ये इनके प्रकार है। हाँ, कि गोवा में देखो बाई हुक और बाई क्रुक, नैतिकता वगैरह को भूलिए, हमें पावर में आना है। हाँ, तो ये इनके प्रकारण की राजनीति में मुझे ये लगता है कि बीजेपी टाइम गेन करेगी, मामला को उलझाएगी, जितना टाइम इनको मिलेगा वो उसी में हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह जो करना है नहीं करना है ये कर लेंगे। बिल्कुल सर, देखिए आप उत्तराखंड में जो मामले गए थे वहां पर, जिक्र कर रहा तो वहां भी जब कोर्ट के बीच में आ जाने के बाद से फिर वही व्यवस्था बनी थी, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर बीजेपी की वो दाल नहीं गलेगी जो वो चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए अभी अभी देवेंद्र सिंह जी ने, देवेंद्र सिंह जादौन जी ने वो हरियाणा वाला एग्जाम्पल दिया जिसमें सतपाल सांगवान मंत्री बन गए थे भजनलाल की पार्टी से आके, और दो तीन लोगों को सेट किया गया था संसदीय सचिव बनाकर। उस मामले में ठीक है, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी सोच के खुश हो लेगी, लेकिन उत्तराखंड वाला मामला ऐसा है कि उसने कठोर जो उदाहरण होता है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने रखा है कि हर कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है, कोर्ट भी है, न्याय भी है इस देश में, आपने राष्ट्रपति शासन लगाया लेकिन फिर से वहां हरीश रावत की सरकार बनी। सुरेश बहादुर जी, मैं आपको सुरेश बहादुर जी, कब तक की सरकार है ये येदियुरप्पा की जी, कब तक चलेगी सरकार जी मनीष, कब तक चलेगी सरकार? देखिए मनीष जी मैं अभी सुनी रहा था आप लोगों की। हाँ, बहुत सारी बातें हुई इस दौरान। देखिए इसमें दो दो तीन संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, मैंने कहा दो तीन संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। ठीक बात। एक तो आदरणीय मिश्रा जी जो कह रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में भी देने की बात होगी तो कोई एक विधायक जेडीएस का या कांग्रेस पार्टी का लिख के दे देगा या किसी से लिखवा देंगे कि हमने वहां फूट डाल दी, हमारे साथ इतने विधायक हैं। कोई वेरीफाई, सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई कराने लिस्ट नहीं जाएगा। वो ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट दे दी, हो सकता है उसी को स्वीकार कर ले और उनको गो अहेड की झंडी दे दे। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा उसको संतुष्ट हो गया, गोपनीयता एक पद और गोपनीयता की शपथ होती है, गोपनीयता के तहत वो लिस्ट अपने पास रखेगा और वो कहेगा ठीक है इनको हरी झंडी दे सकता है। मामला उलझ गया, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है कि क्यों ना दल बदल कानून के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सुओ मोटो क्यों ऐसा करेगा, एक चीज। अब दूसरी चीज जो एक एन के एन प्रकरण जो आपने अभी कहा कि जोड़ तोड़ में माहिर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वो किसी भी अगर एक दस्तखत से या कोई भी एक विधायक के दस्तखत करवा करके ये कह देंगे इनके साथ पार्टी के इतने विधायक साथ हैं, संख्या दे देगा दो तिहाई बहुमत की। अब झूठ मूठ की संख्या दे देगा, झूठ मूठ की संख्या दे देगा और इतने फर्जी विधायकों के नाम दे देगा और कहेगा इसने इसका नेतृत्व ये फला कर रहे हैं और इन्होंने हमको समर्थन दिया है। जैसा कि 1996 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, बहुजन समाज पार्टी में 39 विधायक टूट के आए थे, 39 फिर 29 विधायक 26 फिर वापस लौट गए थे और केसरी त्रिपाठी ने कहा था 13 विधायक जो है स्प्लिट विद इन द स्प्लिट हो गई थी और उनको मान्यता मिल गई थी और कल्याण सिंह की सरकार चल गई थी। तो संभावनाएं बहुत है, संभावनाओं में प्रकाश। और एक चीज, दूसरी चीज, जब हम साफ साफ ये देख रहे हैं जेडीएस और कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत है
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयास कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है वो सत्ता को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। हमको ये बात बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए जाने कि किसी भी रूप में आप देख रहे सीधा पक्ष होता और नैतिकता अनैतिकता की बात छोड़ दीजिए, नैतिकता नैतिकता अनैतिकता की बात मनीष जी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर गोवा में त्रिपुरा में मेघालय में जो हुआ नैतिकता थी तो यहां अनैतिकता हो रही है, और अगर ये नैतिकता है तो वहां अनैतिकता थी, इसलिए अब इस पे बहस करना बड़ा बेमानी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारण कर्नाटक में अपनी सत्ता हासिल करेगी और सरकार बनाएगी, अनुमान है अपना अपना, बाकी देखेंगे। गोपाल जी, अगर हजका वाला एग्जाम्पल है जब उसके चार चले गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, उसमें कुछ मंत्री बन गए, कुछ संसदीय सचिव बन गए, मुख्य पार्लियामेंट सेक्रेटरी बन गए थे वहां पे, अब एक एग्जाम्पल वो हुआ, दूसरा एग्जाम्पल हरीश रावत वाली सरकार का है, इन दोनों उदाहरणों को देखते हुए अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है प्रोसीडिंग्स में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? देखिए, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश से दो मामले आए थे और दोनों में बीजेपी की हार हुई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कह दिया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार बनी थी। तो जहां तक कर्नाटक का सवाल है तो कर्नाटक में कुछ विधायक जरूर आ सकते हैं, बीजेपी यह कह सकती है कि इस पार्टी के इतने विधायक हमारे साथ हैं, जब इस पर सवाल उठेंगे कि ठीक है आप हलफनामा दिलवाइए, फिर पार्टी से हलफनामा मांगा जाएगा और कहा जाएगा कि जो विधायक इनके साथ हैं वो एक एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद मामले की सुनवाई होगी, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट उसके लिए तारीख दे सकता है, समय दे सकता है हलफनामे के लिए, और यह तय है कि कुछ विधायक जरूर बीजेपी जो है कुछ विधायकों की लिस्ट देगी, भले वह जेडीएस से हो या कांग्रेस से हो, वो कहेगी कि इतने विधायक हमारे साथ हैं, लेकिन अगर इस पर सवाल उठता है तो फिर उन्हें एफिडेविट मांगा जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बने रहिए आप सारे लोग, चर्चा जारी है अभी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। नानो ये नानो ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। कर्नाटक, कर्नाटक नहीं, नाटक बहुत ज्यादा हो रहा है। येदियुरप्पा की सरकार बन गई है, सरकार का विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी गांधी जी की मूर्ति के सामने बेंगलुरु में विधानसभा भवन परिसर में उसके नेतागण बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की हार हुई है और इस हार का शोक मना रहा है देश। कर्नाटक में जिस तरीके से बीएस येदियुरप्पा को शपथ दिलवाई गई, उधर एक बात और बहुत दिलचस्प हो जाती है चर्चा में, हम वहां पे पहुंचे भी थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जेडीएस वाले अचानक से कहां गायब हो गए हैं और जेडीएस वालों की भूमिका अब क्या रह गई है, क्योंकि उनकी निष्ठा पे शक किया जा रहा है कि उसके तमाम लोग हो सकता है बीजेपी के साथ आ जाए, क्योंकि बीजेपी यूं ही अपना कॉन्फिडेंस इस तरीके से नहीं दिखा रही है कि हम तो जी सरकार बना लेंगे, बहुमत भी सिद्ध कर लेंगे। हम ये मानते भी हैं कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा आंकड़ा है, लेकिन वो आंकड़ा जादुई आंकड़ा नहीं कहलाता है, क्योंकि जितना सरकार बनाने के लिए चाहिए उससे पीछे रह गई है बीजेपी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं। आप देख सकते हैं जादौन साहब हैं, गोपाल कृष्ण मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं कानूनी पहलू को समझाने के लिए, गोविंद ठाकुर जी हैं, एके मिश्रा जी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मिश्रा जी, आप ही ने जिक्र किया था और हम देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए इसमें आपको गुलाम नबी आजाद दिख रहे हैं, सिद्धरमैया दिख रहे हैं, अशोक गहलोत दिख रहे हैं, कुछ और आला नेता दिख रहे हैं, लेकिन भाई जेडीएस वाले फिलहाल क्या कर रहे हैं ये रहस्य बना हुआ है। मासूम, देखिए दो चीजें हैं, अब कल रात का अगर आपके पास अपडेट हो तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जेडीएस की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव गया था कि नहीं गया था? गया था तो थोड़ा सा उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि कितना एग्रेसिव वो था केस को लेकर के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में केवल कांग्रेस ने जो है फाइल किया है, उन्हीं के लीडर है वहां पे और जेडीएस का केवल नाम डाल दिया है ये बताते हुए कि जेडीएस ने हमसे पोस्ट पोल जो है अलायंस किया था। सबसे देखने वाली बात यह है कि जब जेडीएस के सारे नेता टॉप लीडर्स, अगर मैं कुमार अन्ना की बात करूं, कुमार स्वामी की बात करूं, अभी तक वो हमेशा जो है कांग्रेस के नेता के साथ रहे हैं, साथ साथ में सारी चीजें जो है करना, जो भी डिक्लेयर करना है, और टीवी मीडिया पे भी हमेशा आते रहे हैं कुमार अन्ना जी, कुमार स्वामी। अभी जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है कि कांग्रेस धरने पे बैठी है विरोध के लिए, तो जेडीएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एटलीस्ट कुमार अन्ना या कुमार स्वामी जी, गोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है कल रात को, बीती रात को,
उसमें जनता दल सेक्युलर की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि ये तो हमारे सामने है कि अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे, जेडीएस की तरफ से मामले को कौन रख रहा था, साथ में कौन था? देखिए, जेडीएस की तरफ से जो एडवोकेट थे वो कांग्रेस की ही पार्टी के थे और वो उनका पक्ष रख रहे थे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे ज्यादा उन्होंने दलीलें दी और उन्होंने सबसे पहले सवाल यही उठाया कि आखिर 9 बजे रात को येदियुरप्पा को राज्यपाल ने क्यों न्योता दिया बनाने के लिए। दूसरा जो सवाल था कि बहुमत नहीं है उसके बावजूद भी इन्हें मौका क्यों दिया गया, कहीं ना कहीं यह राजनीति से प्रेरित है और कहीं ना कहीं ये हर हाल में सरकार बनाना चाहते हैं, और कई राज्यों के उदाहरण भी दिए गए थे अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा। तो उसके बाद जेडीएस की तरफ से कहा गया कि वह समर्थन देने के लिए तैयार है, कांग्रेस के साथ वह सरकार बनाएगी, बीजेपी जो है उन्हें लगातार कोशिश कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन हर हाल में वह कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी टूटने का डर है, यह बात कहा गया था। उसके बाद सवाल उठा कि आखिर बहुमत किसके साथ है, कौन से विधायक किसके साथ है, इसकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, लेकिन लिस्ट दोनों भी पार्टी की तरफ से किसी के पास नहीं था, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का वक्त दिया है, कल सुबह 10:30 बजे से पहले उन्हें लिस्ट सौंपनी होगी, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी, जब सुनवाई शुरू होगी उसके बाद कहा जाएगा कि इतने विधायक इनके साथ हैं। अब उसमें देखना है कि क्या जो कांग्रेस के विधायक हैं या जेडीएस के विधायक हैं उनकी भी जो कुछ एमएलए हैं उनकी भी लिस्ट बीजेपी अपनी तरफ से सौंपेगी या फिर कांग्रेस के साथ रहेगी, या अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कल 10:30 बजे जब सुनवाई शुरू होगी उस समय स्पष्ट हो जाएगा। जी, अब बहुत दुर्लभ देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे बैठ के किसी मसले पर सुनवाई कर रही है, इसके पहले बहुत रेयर केसेस हैं, बहुत रेयर केसेस हैं। अब इतनी दिलचस्पी या इस गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया जा रहा है, कोर्ट की भूमिका बहुत गंभीर हो जाती है। गोविंद जी, बिल्कुल, देखिए सरकार अधर में ही है। देखिए, कोर्ट के बीच में आ जाने के बाद से ये खेल जो है ना दोनों पार्टियों के बीच में दिलचस्प हुआ है, और इसमें जो पहले मैं ये बात कह रहा था कि और गोपाल जी ने भी बात कही कि हलफनामा की बात हो जाती है, एफिडेविट देना पड़ेगा, तो बीजेपी के लिए लिस्ट बनाना तो आसान है, ठीक है, वो 2, 4, 5, 10 को नाम डाल सकते हैं उसमें, लेकिन जहां तक हलफनामा बनाने की बात आ जाए और उस समय रिसोर्स में सारे विधायक हों एक को दो को छोड़ के, तो फिर आप कैसे बनाएंगे, कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, हो सकता है, लेकिन एक अंदाजा ये भी लगाए कि आज के दिन में जब लिस्ट बड़ी बड़ी करने की बात चल रही है, 104 से 112 हमको करना है, 13 करना है, 116 से घटने नहीं देना है, तो राजनीति वहां पर बहुत ही गहमागहमी या बहुत भीतर से खेल पे चल रहा होगा। मामला जो भी हो आपका कोर्ट के पहले, सबसे पहले कोर्ट में ही आएगा, इसके बाद अगर इसके बाद भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट से मामला निकल जाता है तो स्पीकर के, जैसे मिश्रा जी ने भी बात कही कि स्पीकर की सबसे बड़ी रोल उसमें देखा, तो स्पीकर बन जाने के बाद तो फिर सरकार को मतलब गिराना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बीजेपी आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी ही सुप्रीम कोर्ट में मामले और सूची लंबी ना हो बीजेपी की, उसको रोकने पे ही कांग्रेस और जेडीएस की भलाई है। देखिए, जेडीएस इसमें नहीं है, इसमें एक संभावना है, हालांकि एक कल्पना है, नहीं ये बहुत कल्पना हम कह सकते हैं, हाँ जी आप जरूर सही कह रहे हैं, इवेंट है, और जेडीएस का गायब होना कहीं ना कहीं अपने आप में ठाकुर साहब एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी की बात को समर्थन कर रहा हूँ, क्योंकि उनको आना चाहिए, और कंधे से कंधे मिलाकर जब आप सरकार, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं, आपकी पार्टी नहीं आ रही है, आपका कोई विधायक भी नहीं है, विधायक आपका नहीं है, स्टेटमेंट नहीं आया जी कि भाई हम समर्थन करते हैं। देखिए, आज सुबह से रात की लीगल टीम में जेडीएस रही है, अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम आशंका, सुबह से जेडीएस का कुछ नहीं आ रहा है, आशंका है, एक कल्पना हमारे पास में ही है, ये आशंका ये है कि कुमारस्वामी को ये विश्वास शायद अपने एमएलए पर नहीं होगा कि अगर हम कुछ को लेकर चले जाते हैं धरने में बैठने के लिए तो पीछे से भाग जाए, हाँ पीछे से निकल जाए, ये जेडीएस में है, खुद वो पहरेदार की भूमिका में बैठे होंगे दरवाजे पे,
और सब पीछे आप रहो, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, धरने करने दो कांग्रेस को, हम सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री हम बनेंगे। पॉलिटिकल होडोनिज्म का ये जो सारी घटना हो रही है, एक टेक्निकल टर्म है पॉलिटिकल होडोनिज्म, बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब कैसे भी करके हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, कुछ भी सेक्रीफाइस करना करे, कोई भी काम करना पड़े, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, इसीलिए मैं इन सारी घटनाओं को बोलता हूँ पॉलिटिकल होडोनिज्म। सर इसको प्राइवेटीकरण भी कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी में होती है कि आपको ये टारगेट पूरा करना है, मार्केट करना है, मार्केटिंग करनी है, सब कुछ करना है। नहीं, प्राइवेट कंपनियों में तो फिर भी इथिक्स तो होता है, जो कानून से बंधे हैं, यहाँ तो इथिक्स की भी, पॉलिटिकल इथिक्स की भी तज्जियां उड़ रही है। यहाँ तो कांग्रेस सरकार की और बीजेपी प्राइवेट पद्धति पे। एक और पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं, चूंकि कानून की भी बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि आज 2 बजे तक की लिस्ट आप बताएं सौंपे कि भाई आपके पास बहुमत का आंकड़ा है। गोपाल जी, आज 2 बजे का टाइम रखा गया है क्या? जी बिल्कुल, 2 बजे तक देना है और कल 10:30 बजे लिस्ट के अनुसार ही सुनवाई शुरू होगी। उसके बाद दोनों पक्ष की ओर से बहस होंगे और बताया जाएगा कि किन के पक्ष में कितने विधायक हैं और कौन कौन से विधायक शामिल हैं जो इन्हें समर्थन देना है, और कांग्रेस की जेडीएस की तरफ से भी लिस्ट सौंपी जाएगी और कहा जाएगा कि ये विधायक हमारे साथ हैं और हम इनके साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह जादौन जी, 2 बजे तक आपको लिस्ट देनी है, 10:30 बजे सुनवाई होनी है, 9 बजे आपने मुख्यमंत्री भी बना लिया, शपथ दिलवा दी गई, तो अब ये सोचें कि यहां भारतीय जनता पार्टी कोई तैयारी कर रही होगी तो ये थोड़ा सा अतिरेक होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी करनी होगी ना, वो पहले से कर रखी होगी, वो पहुंच जाएगी, सब कुछ तय है, तैयार है उनकी तरफ से, मान के चलें क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेसकरण हुआ है इस दौर में, तो भारतीय जनता पार्टी सारी वही टैक्टिक्स अपना सकती है जो कांग्रेस अपनाती रही। हो सकता है कि वो नहीं, कांग्रेस तो अचंभे में होगी सर, कांग्रेस अचंभे में होगी कि हमारी टैक्टिक्स जो होती थी उससे 4 कदम आगे चल के सोचने लगे हैं, करने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो चित हो जा रही है। अगर ये सब स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये तो अपना ये सब तो नहीं देखा था हमने, उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न तरीके से स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रही है, जोड़ तोड़ के महारथी, जोड़ तोड़ के मैनेजर शब्द कहलाने से नवाजे जाने पे फख्र हो रहा है, तो कांग्रेस से आगे बढ़ के चल रही है बीजेपी इस मामले में। राजेंद्र जी, वो चली रही है, वो जो अडवाणी जी ने कहा था नरेंद्र मोदी के लिए कि मोदी जी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, तो मुझे लगता है कि इस इवेंट को भी वो सक्सेस बनाएंगे। मुझे लग रहा है कि ग्रीन रूम में पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल फेस शो कर रहे थे चुनाव में, और बीजेपी की स्थिति कोई बहुत क्या अच्छी है, कांग्रेस के मुकाबले इनका वोट परसेंटेज, वोट शेयर भी कम है, और फिर भी वो सरकार बनाने की वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आ गई, तो ये मैनेजमेंट ही तो है कि वोट शेयर कम होते हुए भी, चूंकि अगर ये इन्होंने जेडीएस ने और कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस किया होता तो आज बीजेपी को कहीं मौका ही नहीं मिलता किसी तरह का दावा करने का, और वो सारा वोट शेयर जो है अभी 36% जो नहीं है, दूध के धुले यहाँ पे जेडीएस और कांग्रेस वाले भी नहीं है, दूध के धुले नहीं है, क्योंकि प्रचार के दौरान की बातों को याद करिए, तब नरेंद्र मोदी तो देवेगौड़ा के लिए थोड़े से सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से जेडीएस और देवेगौड़ा पे हमला कर रहे थे उसको सोचते हुए लग रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी की पॉलिटिक्स, मौके की राजनीति क्या होती है यहां भी सीखी जा सकती है। बहुत हमलावर थे राहुल गांधी देवेगौड़ा पे, गोविंद जी प्रचार में अवसरवादी राजनीति, अवसरवादी ही गठबंधन है, नहीं तो ये तो प्रीपोल होता, प्रीपोल नहीं है तो पोस्टपोल अगर कर रहे हैं, इमीडिएटली इनको लगा कि बीजेपी फिर एक स्टेट में हावी होती जा रही है, हम सिमटते जा रहे हैं, तो इन्होंने आनंद फानंद में कर लिया, वो तो सब कौन भी ये मान के चल रहे थे कि हम अपना मेजोरिटी लेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन जब उनको लगा कि ये मजबूरियां हैं, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई, तो उन्होंने पोस्टपोल कर लिया, तो स्थिति तो ये है कि किसी तरह से सत्ता अरे मजबूरी कांग्रेस की ज्यादा है कि मजबूरी है जो मौका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप पूरे इलेक्शन के कैंपेनिंग को अगर आप देखेंगे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और उसका रीजन था। देखिए, जिस दिन वोटिंग खत्म हो गई उसके एक दिन बाद का आप देखिए, बहुत सारे टीवी चैनल ने और पत्रकारों ने ये घोषित कर दिया और सिद्धारमैया जी बकायदा बैठ करके उनके उत्तरों का आंसर दे रहे थे और क्वेश्चंस ऐसे थे कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे यू आर गोइंग टू अगेन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज फॉर कर्नाटका इन कमिंग डेज। और सिद्धारमैया जी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, उन्होंने बोला कि यस
योर दिस सर्वे इज वेरी मच क्लोज टू द रियलिटी, ये उनके वर्ड्स हैं जो मैंने सुने। जनता दल सेक्युलर के नेता की बाइट आ रही है, वो सुनना व्यवस्थित नहीं है। वी हैव टू टेक द डिसीजन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एमएलए। सर आर यू टेकिंग हिम टू अ सीक्रेट प्लेस? नो सीक्रेट प्लेस इन व्हाट व्हाट Yes, BJP people so honest in this country, for that they are going to support them. Narendra Modi's government is misusing entire institutions of central government. I know how they threatening, how they threatening and how they want to put pressure on those MLAs. I can understand Narendra, this Anand Singh himself told. They are using it ED. I had a case in ED department. They were going to screw me. For that reason, I'm very sorry. I have good. टोन का थोड़ा फर्क होता है अंग्रेजी बोलते हुए भी इनके, लेकिन जो चीजें समझ में आई थोड़ी बहुत उसमें ईडी का भी जिक्र किया कुमारस्वामी ने। मिश्रा जी देखिए अब इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यही बोलूंगा होडनिज्म येन केन प्रकारेण वाली राजनीति जो है ये चल रही है सर, और इसको जरा एक दो दिन देखिए या हफ्ते 10-15 दिन तक जब तक की सरकार किसी की कन्फर्म नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे रीजन है कि मैं तीनों पार्टियों का अगर यूएसपी या उनकी इंडिविजुअल जो है स्ट्रेंथ का अगर मैं कंपैरिजन जो है एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो मुझे ये दिखता है। देखिए है क्या जेडीएस देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी का संगठन क्या होता है, जो उसका लीडर होता है और उसके जो विधायक होते हैं उनके बीच एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग कितनी मजबूत या कमजोर है इस चीज पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जेडीएस में आज की कंडीशन में मुझे ये लगता है कि उनकी ये बॉन्डिंग कमजोर हो रही है। मैंने पहले भी बताया 10-15 साल से राजनीतिक सत्ता से ये सारे विधायक दूर हैं, उनकी अपनी एक पर्सनल पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा होती है, एक कैरियर होता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी जिस हिसाब से कुमार अन्ना की जो बॉडी लैंग्वेज थी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं आक्रोश और हताशा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि चीजें इनके हाथ से धीरे धीरे करके आगे हाथ से निकल रही है। अदरवाइज ये कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पे ये कांग्रेस के साथ धरने पे ये बैठे होते। बिल्कुल मिश्रा जी ने बात कही, मैं इनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रहा है कि इनको अब विश्वास नहीं है। हाँ इनको विश्वास अब कुछ एमएलए पे नहीं है, और खुद जो थ्रेट की बात चेतावनी की बात कही है, ईडी सीबीआई सब की बात कर रही है, हो सकता है कि इनको भी चेतावनी आई हो, थ्रेट आया हो कि भैया तुम भी बहुत सारे करप्शन में फंसे हुए, तो जब तुम सरकार में थे तो सारी फाइलें खोल दी जाएगी, तुम ऐसा करो चुपचाप हमको समर्थन दो, डिप्टी सीएम हम तुमको बना देंगे, डिप्टी सीएम तुमको बना देंगे, सीएम तुम रहने दो, तो ये तरह की बातें हो रही है। तो नहीं गया है वो संवैधानिक संस्था है, मुझे लगता है किसी और नेता ने या धीरे से कान में ये डाल दिया होगा, याद दिला दिया होगा कि भाई ये संभावनाएं ये भी है। मुझे आज सुबह से ये इनका एग्रेशन सारा खत्म हो रहा है, आज सुबह से ये इतने एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, और अभी पहली बार मैं इनको देख रहा हूँ। पत्रकारों को बोला यू पीपल बेटर नो, अब इसका मतलब पत्रकारों की शरण में चले गए हैं, पूछ रहे हैं कि भाई बताओ फैक्ट क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन का भी अभाव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिल्कुल यही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल वो बात कर रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे थे उसको देखा था, उनकी बाइट देते हुए लैंग्वेज जैसे लग रहा है मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, और बहुत सारी बातें वो घोषणाएं करने वाले हैं अब से सरकार शपथ ग्रहण लें, लेकिन आज के जो उनको दिखाई पड़ रहा है वो साफ दिख रहा है कि उनको शंका है कि हम हो सकता है कि हमारे एमएलए टूट जाए, हम टूट जाए, कोई टूट जाए, इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुमारस्वामी के जो इतिहास रहे हैं वो बताते हैं कि ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, और कांग्रेस अभी जो 78 है ना 78 ही रह जाएगा, ये भी हो सकता है कि सारे कांग्रेस से भी टूट जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर चीजें बीजेपी के फेवर में जानी शुरू हुई तो उसका रीजन है कांग्रेस से, क्यों बीजेपी का लक्ष्य जो है केवल इलेक्शन जीतना नहीं है, बीजेपी का लक्ष्य यह है कि कांग्रेस को लगातार कमजोर करना, आज नहीं तो कल ये कांग्रेस के विधायकों को तोड़ती रहेगी, धीरे धीरे करके तोड़ती रहेगी, ताकि वहां से वो इतनी कमजोर हो जाए कांग्रेस कि दोबारा वो बीजेपी का ये जो रणनीति बीजेपी की है ना ये सबके लिए है, ये जीतने के पहले जितने एग्रेसिव होते हैं
और हम जीतने के बाद यानी इलेक्शन के बाद अगर ये सरकार बना लिए ना तो अपने विपक्षी दलों को बड़ी बुरी तरीके से ये साफ करना धीरे 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 शुरू कर देते हैं। ये बीजेपी की बहुत अच्छी मतलब उनके अपने पर्सनल उसके लिए बहुत अच्छी रणनीति है ताकि अगले इलेक्शन में वो इतने कमजोर हो जाए इनके विपक्षी कि सर ही ना उठा पाए। मैं इस थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूं क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश में जो इनके गठबंधन थी वो दरार हो गया वहां पर। अब बीजेपी कर्नाटक में कुमारस्वामी के साथ ये गठबंधन कर सकते हैं कि चलो 2019 के जो चुनाव हम साथ लड़ेंगे और तुमको ये दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जरूरी है कि साउथ में वो अपनी पहचान बना सके, धमक दिखा सके, दबाव बनाकर रखे, क्योंकि आगे जो आने वाले चुनाव है लोकसभा चुनाव में इनके एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारे स्टेट पर लगने जा रहे हैं तो कंपनसेट कहां से किया जा सकता है। तो यहां की सारी सीट जीतने के लिए ये कह सकते हैं कि इस तरह की चाल चल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और लिस्ट जो देने की बात है उस पर डिपेंड कर रहा है, बाकी तो बीजेपी तो विधानसभा में देखी सुप्रीम कोर्ट में कल जाके जेडीएस बोल देगी कि सर हमने डिसीजन अपना चेंज कर दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कर सकते। देखिए बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है, बीजेपी एक बहुत सम्मानित पद कुमार अन्ना को कुमार स्वामी को सेंटर में भी दे सकती है। कंपनसेट करने की जो बात है आज की डेट में बीजेपी के पास कंपनसेशन की कैपेसिटी है जो उसका एक यूएसपी बन जाता है। तो बीजेपी जो है हो सकता है बोले कि ठीक है मुख्यमंत्री आप नहीं, अगर ये कुमार अन्ना को भी ये मुख्यमंत्री अगर बना दे तो येदुरप्पा को वो कंपनसेट कर सकती है सेंटर में। तो मतलब दोनों लोगों की इसकी गुंजाइश बेहद कम है क्योंकि दिक्कत हो जाए कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए इनके मुख्यमंत्री हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसकी गुंजाइश भी बहुत कम दिखती है क्योंकि येदियुरप्पा की पॉलिटिक्स को हमने देखा है, खुद 2007 में मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो वो कर्नाटक की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उसके लिए अनंत कुमार हैं। हाईकमान बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग है और उनके आदेश येदियुरप्पा भी बहुत स्ट्रांग है। एके मिश्रा नहीं, नहीं, नहीं है। देखिए मैं बताऊं येदियुरप्पा कितने स्ट्रांग थे 2013 के इलेक्शन में, उन्होंने अपनी ताकत को आजमा लिया, इनको 2 या 3 सीट या शायद 7 सीट आई थी और 7-8% वोट मिला था सब कुछ होने के बाद, ये वापस क्यों आए अगर ये इतने ताकतवर होते कि पूरी ये दोनों की जरूरत सर दोनों की जरूरत है क्योंकि आप ध्यान दीजिए मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कर्नाटक जनता येदियुरप्पा बिना बीजेपी के एकदम बेकार रहेंगे, बीजेपी तो फिर भी बिना येदियुरप्पा के बहुत सारे बीजेपी कर्नाटक में येदियुरप्पा के बिना बहुत कमजोर है, ये आप मानिए फैक्ट पिछला हिसाब बता हूं कि येदियुरप्पा जी हैं तो 2013 के जो चुनाव हुए थे उसमें येदियुरप्पा को 10% वोट मिले थे और 6 सीट उनको मिले, इसके बाद बीजेपी को 40 मिले, लेकिन कोई दोनों में से कोई सफल नहीं हो सके, इसलिए दोनों की जरूरत वहां पर है। और अब मैं जैसे बीजेपी के तमाम क्षत्रपों के साथ हुआ है कि अकेले अगर वो हुआ है तो वो खुद कमजोर पड़ा है और पार्टी तो हुई है, तो इसमें दोनों की भलाई है और उसको लेके चल रहे हैं। अनंत कुमार दोनों साथ आए ना, अनंत जो है अनंत कुमार की दिलचस्पी को हम मानते हैं कि केंद्र में ज्यादा होती है, केंद्र में एक्टिव भी रहे चाहे वो विद्यार्थी परिषद का टाइम हो या जैसा भी दौर हो, ये शुरू से राज्य की राजनीति में एक्टिव रहे हैं तो इसकी गुंजाइश कम दिखती है कि येदियुरप्पा सेंटर में आ जाए। हां ये आप सही बता रहे हैं कि कुमारस्वामी की निष्ठा पे हम शंका कर सकते हैं क्योंकि कुमारस्वामी ने पहले जो कुछ किया है उसको वो याद आती है चीजें हमें कि अब कुमारस्वामी वैसा भी कुछ कर सकते हैं, भी पलटी खा सकते हैं, पहले भी एक बार सरकार बना चुके हैं तो फ्री बना सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। जादौन साहब राजेंद्र सिंह जी सुन रहे हैं आप हमें? हाँ जी हाँ, तो एक तरीके से इतनी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, हमने कर्नाटक के नेताओं की बातें सुनी, लेकिन एक तरफ गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ के कांग्रेस के आला नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाराज कुमारस्वामी भी हैं, लेकिन ये साथ नहीं आ रहे हैं, साथ नहीं बोल रहे हैं, कुछ विधायकों को छुपाने में लगे हैं, कुछ प्रदर्शन में लगे हैं, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, ये थोड़ा जेडीएस जो लगता है कि जेडीएस जो है बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है कि जेडीएस हाशिए पर है, जेडीएस सत्ता के लिए उतावला भी है, लंबे समय से वो भी पावर से बाहर है, तो मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है बीजेपी के लिए, या तो वो उसमें पार्टीशन करवा सकते हैं या जेडीएस का की लीडरशिप ही जो है बीजेपी के साथ चली जाए, ऐसा हो सकता है। देखिए कभी तो ये सोचते थे कि बिहार का उदाहरण हमारे पास है, नीतीश कुमार ने पूरे जेडीयू को अलग कर दिया था बीजेपी से कि जो है प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नरेंद्र मोदी को क्यों बनाया, और मैं तो सांप्रदायिकता के बड़ा खिलाफ हूं, धर्म विवेक्स पॉलिटिक्स करना चाहता हूं, आज वो खड़े हुए हैं पूरे बीजेपी के साथ। ये एक बड़ा उदाहरण है पूरे देश के सामने
कि किसकी क्या नैतिकता है, बड़ी बड़ी जो है सिद्धांतों की वो मुखौटे लगा के लोग आते हैं और जब परिस्थिति आती है तो मुखौटा उतरते देर नहीं लगती, तो हो सकता है जेडीएस का मुखौटा भी उतर जाए। तो ये कंपुस्क्यूस दिखाई दे रहे हैं कि ये आखिर में जब कांग्रेस एक बड़ा एजिटेशन और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैदान में खड़ी हुई तो ये क्यों नहीं उनके साथ है। तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट है वो, कि कांग्रेस तो फिर भी एक लड़ने का इरादा रखती है और इनको पावर चाहिए किसी तरह से गठबंधन, किसी तरह से कोई समीकरण मिल जाए और उसका फायदा मिल जाए, तो हो सकता है कि ये कुछ समझौता कर ले और बीजेपी इसीलिए कॉन्फिडेंट थी कि वो कोर्ट में उसने जवाब दिया। लेकिन एक मलाल रह जाएगा कुमार स्वामी के मन में कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया है। मनीष, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए कुमार स्वामी की जहां तक बात है तो कुमार स्वामी कभी भी कांग्रेस छोड़ने के लिए नहीं सोचना चाहेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है और उनके पिताजी देवगौड़ा वो भी चाहते होंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो ये मुख्यमंत्री बना दे, कम से कम अपने समय में बेटा को मुख्यमंत्री बनाओ, इसके लिए जोर तोड़ ना करें, लेकिन सिंपैथेटिकली तरह से रहेंगे। लेकिन उनके जो एमएलए हैं उस पर शंका है और यही बात उनके कि चलो जी ढाई साल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ढाई साल आप रह लीजिए, साहब भी मरे। सर ये हो चुका है, ये हो रहा है और ये कुमारस्वामी ने जो किया था, कुमारस्वामी ने जो किया था उन्होंने सरकार गिरा दी, धोखा दिया था, धोखा दिया था और उसके बाद बीजेपी में। तो पहले कौन मुख्यमंत्री बनने का ये भी सवाल है कि कौन किसको धोखा देगा, नहीं देगा मौका कम से कम। ये कुमारस्वामी को मौका मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कुमारस्वामी ने जो किया है भारतीय जनता पार्टी अभी तक भूली नहीं होगी और उसका खामियाजा कुमारस्वामी को भुगतना पड़ सकता है। और उसी की बातें वो अभी अपने बयान में वो गिना भी रहे थे कि ईडी है और हमारे विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, दिल्ली जा रहे हैं हम। बहुत सारी बातें उनकी समझ में आई, बहुत सारी नहीं आई, लेकिन एक बात जो समझ में आ गई वो उनका बॉडी लैंग्वेज था। पॉलिटिकल कैनेसिस प्योर टेक्निकल टर्म यह है कि राजनीतिक जो है बॉडी लैंग्वेज आप उसको बोलिए, बहुत सारे देखिए आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को ऐसे सिम्टम्स अगर आप वहां पे पकड़ना शुरू करेंगे तो मुझे ये क्लियर कट दिखाई दिया था कि कल तक उनका जो कॉन्फिडेंस है अब वो डाउट में कन्वर्ट हो रहा है, अब वो पॉलिटिकल हताशा में धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है और कई घटनाएं ऐसी हैं जो कि इस तर्क को मेरे सपोर्ट करती हैं। उत्साह में उनके कमी आ रही है, कल तक उनको लगता था कि हम सीएम बन जाएंगे या सरकार बना लेंगे, अदरवाइज वो यहां पे क्यों नहीं बैठे हुए हैं, एक भी उनका विधायक कांग्रेस के साथ आज नहीं है, कल तक कंधे से कंधा मिला के दोनों पार्टियां चल रही थी। तो अगर वहां कोई लोकल रिपोर्टर हो तो जरा उनसे पूछा जाए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ रिफ्ट दोनों में पड़ गई है, अगर जरा सी भी रिफ्ट पड़ गई है तो इन दोनों को अलग होने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो रिपोर्ट्स वहीं से आ रही हैं और उसी के आधार पर चर्चा भी हो रही है क्या कुछ बेंगलुरु में चल रहा है। बेंगलुरु से ही खबर आई एके मिश्रा जी कि कांग्रेस पार्टी अब इस कदर हताशा में आ गई है, इस तरीके से अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही है कि उसने शिकार शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारे विधायकों का शिकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। गोविंद जी चर्चा में आप शामिल नहीं थे तब ये स्टेटमेंट आया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे विधायकों का शिकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, कौन किसका शिकार कर रहा है, क्या हो रहा है कर्नाटक में, येदियुरप्पा टिके रहेंगे या चले जाएंगे, इन सारी चीजों पर हमारी नजर है, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र सिंह जादौन जी, गोपाल कृष्ण जी, गोविंद ठाकुर जी, एके मिश्रा जी। तो कर्नाटक के नाटक पे, कर्नाटक की सियासत पे हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, नमस्कार। नानो ये येदियुरप्पा ये मैसेज नानो।